अध्याय एक बचपन और शिक्षा भीमराव रामजी अंबेडकर का जन्म इंदौर मध्य प्रदेश के छावनी में 14 अप्रैल अठारह को हुआ था वह अपने माता पिता की चौदहवीं संतान थे। उनके तेरह भाई बहनों में सिर्फ चार कन्याएं और दो पुत्र ही जीवित रहे भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम रामजी मालोजी सखपाल था और मां का नाम भीमाबाई था भीमराव का परिवार जिला रत्नगिरी के मंडनगढ़ के गांव अंबेडकर का था वे महार जाति के थे जो महाराष्ट्र की ऐसी जाति है जिसका इतिहास शौर्य और पराक्रम पूर्ण गाथाओं से भरा पड़ा है इस जाति के कुछ लोग मृत पशुओं का चमड़ा आदि निकालने का काम किया करते थे डॉक्टर अंबेडकर के दादा मालोजी सकपाल भारतीय फौज से हवलदार के पद से सेवानिवृत्त हुए थे उनके पिता रामजी फौजी के लिए चलाए जाने वाले एक आर्मी स्कूल के चौदह वर्ष तक प्रधानाध्यापक रहे जब राम जी मध्य प्रदेश के महू छावनी में कार्यरत थे तभी उनके सबसे प्रतिभाशाली पुत्र भीमराव का जन्म हुआ था सब उन्हें प्यार से भीवा पुकारते थे भीमराव के पिता रामजी सूबेदार सेना में पच्चीस वर्ष की सेवा के बाद अठारह में सेवानिवृत्त हुए वे परिवार सहित अपने पैतृक आवा वंडे के पास दापोली आकर रहने लगे जब भीवा छोटे बच्चे ही थे तो वह बच्चों के साथ बहुत शरारती किया करते थे कभी वह पेड़ों पर चढ़ जाया करते थे तो कभी बच्चों के साथ झगड़ा किया करते थे हर रोज लोग भीवा की कोई ना कोई शिकायत लेकर आते थे पर भीवा इन सबसे अनजान अपने बचपन में खोए रहते थे उन्हें नहीं पता था कि भविष्य में उसके साथ क्या होगा भीवा का जीवन बाधाओं से भरा हुआ था ऐसी ही पहली बाधा वर्ष अठारह में आई दापोली के म्युनिसिपल शिक्षण विभाग ने यह तय किया कि वह अपने विद्यालय में अछूत बालकों को दाखिला नहीं देंगे रामजी और अन्य सेवानिवृत्त सैनिकों ने इस अन्याय के लिए आवाज़ उठाई पर उन्हें इसमें सफलता नहीं मिली आखिरकार रामजी को अपने परिवार के साथ बम्बई जाना पड़ा बम्बई में रामजी जैसे व्यक्ति के लिए जीवन आसान नहीं था खासकर तब जब वह रामजी जैसा बेरोजगार और सेवानिवृत्त अछूत व्यक्ति हो फौजी होने के कारण उन्हें किसी तरह एक स्टोर कीपर के रूप में पीडब्ल्यूडी के सतारा दफ्तर में काम मिल गया भीमराव की औपचारिक शिक्षा 7 नवंबर 1900 से प्रारंभ हुई सतारा के उच्च माध्यमिक विद्यालय में उन्हें दाखिला बहुत कठिनाइयों के बाद मिला उन दिनों कोई भी अछूत बच्चों को दाखिला नहीं देना चाहता था इस विद्यालय में भी भिवा को इस शर्त पर दाखिला मिला कि वह कक्षा में अन्य बच्चों के साथ बेंच पर नहीं बैठेगा उसे दरवाजे पर अपनी लाल चटाई पर बैठना होगा यह शर्त बहुत अपमानपूर्ण थी पर भीवा के पिता ने उन्हें समझाया कि सिर्फ पढ़ाई ही उनके इन सब कुछ सब दुखों का एकमात्र निवारण है उन्हें इस तरह की रुकावटों पर ध्यान न देकर केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाना चाहिए पर भीवा को हर रोज मुश्किलों का सामना करना पड़ता था अक्सर वह रो पड़ता क्योंकि यह मुश्किलें सहना आसान नहीं थी आखिर वह छोटा बच्चा ही तो था एक बार एक संवेदनशील अध्यापक ने उससे एक सिद्धांत श्यामपट पर हल करने को कहा पर कई बच्चों ने इसका विरोध किया जब अध्यापक इस विरोध का कारण नहीं समझ पाए तब उन बच्चों ने अपने विरोध की वजह बताते हुए कहा कि एक महार उस श्यामपट पर कैसे लिख सकता है जिसके पास उनके खाने के डिब्बे रखे हैं भीवा को श्याम्पट पर तभी लिखने दिया गया जब बच्चों ने वहां से अपने खाने के डिब्बे हटा लिए इस घटना का बालक भीवा के मन पर गहरा असर हुआ सतारा हाई स्कूल के प्राचार्य बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे वह एक ब्राह्मण थे पर उन्होंने जाति भेद की परवाह न करते हुए अछूत बालक को अपने विद्यालय में दाखिला दिया वह हमेशा भीवा को प्रोत्साहित किया करते थे जब भीवा घर पर भोजन नहीं करने जा पाता था तो वह उसे स्वयं लाकर खाना खिलाते थे जिसे वह खास तौर पर उनके लिए ही लाते थे उन्होंने ही उसे अम्बेडकर उपनाम दिया जो भीमराव के नाम के बाद लगा उस उपेक्षित बालक के लिए यह एक सद्भावनापूर्ण दुर्लभ कार्य था जिसे वह जीवन भर नहीं भूला सतारा में भीवा को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा कोई भी नाई उसके बाल नहीं काटता था क्योंकि वह अछूत था एक बार डॉक्टर अंबेडकर के पिता सुबेदार राम जी को गोरेगा क्षेत्र के सूखाग्रस्त इलाके में सहायता के लिए भेजा गया सूखे के कारण स्कूल बंद हो गए थे भीमराव अपने भाई आनंद राव के साथ उस कैंप में गया जहां उसके पिता कार्यरत थे वह गोड़ेगाँव रेलगाड़ी से पहुंचे पर वह इलाका जहां उसके पिता कार्यरत थे स्टेशन से बहुत दूर था उन्होंने जो बैलगाड़ियाँ वहीं वहाँ जा रही थी उनसे मदद मांगी पर कोई भी बैलगाड़ी वाला अछूत बालकों को अपनी गाड़ी में ले जाने को तैयार नहीं हुआ आखिर में एक गाड़ी वाला उन्हें ले जाने को तैयार हुआ पर वह भी इस शर्त पर कि वे गाड़ी चलाएंगे और वह पीछे बैठकर आराम करेगा भीवा को डेढ़ दिन तक बैलगाड़ी चलानी पड़ी वह भी प्यासे रहकर क्योंकि अछूत जाति के लोग गांव के कुओं से पानी नहीं पी सकते थे दोनों भाई पूरी तरह से थके हुए पिता के कैंप तक पहुंचे सतारा में भीवा को बहुत सी कठिनाइयों का कर सामना करना पड़ा सूबेदार राम जी फिर से बम्बई में अपने परिवार के साथ लोअर परेल स्थित डबल चाल में किराए पर कमला लेकर रहने लगे अब तक भीवा ने चौथी कक्षा पास कर ली थी बम्बई में भीवा का दाखिला एक सरकारी स्कूल में हुआ जिसका नाम एलिफिंस्टन उच्चतर विद्यालय था जब भीवा की उम्र छः वर्ष की थी उनकी माता का देहांत हो गया भीवा के पिता को नौकरी और बच्चों के पालन पोषण में बहुत दिक्कतें होने लगी उन्होंने जीजाबाई नाम की एक विधवा से दोबारा विवाह कर लिया जब वह बम्बई रहने आए तो बालक भीवा इस नए व्यक्ति का आना अपने और अपने पिता के बीच स्वीकार नहीं कर पाया वह अपने पिता का पूरा प्यार और ध्यान चाहता था जब वे अपनी सौतेली माँ को अपनी माँ के गहने पहने देखता तो बहुत क्षोभ होता था रोज रोज के झगड़ों से परेशान होकर एक दिन भिवा घर छोड़कर भाग गया लेकिन वह जल्दी ही वापस लौट आया क्योंकि वह जान गया था कि बाहरी दुनिया उसके घर के माहौल से अधिक खराब थी अब वह अपना पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पर देने लगा वह चारनी रोड के बाग में जाकर किताबें पढ़ता उसके अध्यापक श्री कृष्णाजी केलसुकर भी उस बाग में आया करते थे वह बालक भीवा के लगन से बहुत प्रभावित हुए वह भीवा से बातचीत करते और कई मूल्यवान सुझाव देते डॉक्टर अंबेडकर ने सन 1908 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली वह महार जाति का पहला बच्चा था जिसने यह परीक्षा उत्तीर्ण की थी महार जाति के लोग जो उसकी चाल के पास रहते थे उन्होंने उसकी इस उपलब्धि पर उसे बधाई दी प्रसिद्ध समाज सुधारक और मराठी के लेखक श्री ए केलुस्कर ने भीवा को गौतम बुद्ध पर मराठी में लिखी एक पुस्तक लाइफ ऑफ गौतम बुद्ध भेंट की जो उन्होंने स्वयं लिखी थी उन्होंने उसके लिए बीस रुपये मासिक का वजीफा भी दिलवाया यह वजीफा उसे बड़ौदा के महाराज और शिक्षा प्रेमी श्री सयाजी राव गायकवाड़ ने आगे की शिक्षा के लिए दिया था भीमराव अंबेडकर का विवाह रमाबाई से हो गया रमाबाई भिखु वनंदकर की पुत्री थी इस समय उनकी उम्र सत्रह वर्ष की थी और उनकी पत्नी केवल दस वर्ष की थी विवाह के बाद उन्हें भीमा कहा जाने लगा एलिफिस्टर्न कॉलेज में अधिकतर रईस छात्र पढ़ा करते थे भीमा अपने प्रोफेसरों में बहुत लोकप्रिय थे अंग्रेजी और फारसी भाषा का अच्छा ज्ञान था अंग्रेजी के प्रोफेसर म्यूलर भीमा के इतने करीब थे कि उन्होंने भीमा राव को पहनने के लिए अपनी शर्ट भी दी वर्ष उन्नीस में भीमा ने डिग्री प्राप्त की उन्हें सात में से दो अंक प्राप्त हुए वह प्रथम स्थान नहीं प्राप्त कर पाए फिर भी उस व्यक्ति के लिए यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी जो गरीबी और जातिगत भेदभाव के बीच बड़ा हुआ हो सब लोग बहुत प्रसन्न थे भीमा अपने पिता के उन सहयोगों और बलिदानों को कभी नहीं भूले जो उसके पिता ने उनकी शिक्षा के लिए किए अध्याय दो पहली नौकरी और अमेरिका के लिए प्रस्थान जिन दिनों डॉक्टर अंबेडकर ने स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की उन दिनों उनके पिता का स्वास्थ्य बहुत खराब चल रहा था उन्हें बुखार हो गया था उन्होंने महसूस किया कि अब समय आ गया है कि वह अपने पिता के बलिदानों का कर्ज चुकाए उन्होंने तय किया कि वह नौकरी करेंगे वह बंबई स्थित महाराजा के ऑफिस में गए यह वही महाराजा थे जिन्होंने उन्हें वजीफा दिया था डॉक्टर अंबेडकर ने बड़ौतरा बडोदरा की फौज में लेफ्टिनेंट की नौकरी कर ली अभी नौकरी करते हुए उन्हें कुछ ही दिन हुए थे कि उन्हें अपने पिता की बीमारी का तार मिला वह जान गए कि उनके पिताजी कुछ ही दिनों के मेहमान हैं पर उन्हें छुट्टी नहीं मिली उन्हें नौकरी करते हुए पंद्रह दिन ही तो हुए थे उन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और पिताजी से अंतिम मुलाकात के लिए चल दिए उनके पिताजी की आत्मा भी मानो केवल अपने भीवा की ही प्रतीक्षा में थी रामजी का निधन दो फरवरी 1913 को हो गया पिता की मृत्यु डॉक्टर अंबेडकर के लिए गहरा सदमा थी अब उनके ऊपर अपने बड़े परिवार की जिम्मेदारी भी आ गई उस वक्त उनके पास नौकरी नहीं थी तभी उन्हें पता चला कि वह रौदा के महाराज कुछ कुशाग्र बुद्धि छात्रों को कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका में आगे पढ़ने के लिए खर्च देते हैं गुरु केलुस्कर ने उन्हें प्रोत्साहित किया कि वह इस वजीफे के लिए आवेदन करे डॉक्टर अम्बेडकर महाराजा से और मदद लेने को तैयार नहीं थे पर उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं था अध्ययन के लिए उन्हें लिखित में देना पड़ा कि अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वह बड़ौदा राज्य में दस वर्ष तक कार्य करेंगे सन उन्नीस के 21 इक्कीस जून को डॉक्टर अम्बेडकर यूएस ए पहुंचे उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय में दाखिला लिया जहाँ वे हार्टले हॉल रेजिडेंसी में रहने लगे बाद में वे वहाँ के कॉस्मोपॉलिटन क्लब पाँच पश्चिमी 114 स्ट्रीट में रहने लगे जहाँ कुछ भारतीय विद्यार्थी भी रहते थे अंत में वह लिविंग स्टोन हॉल रेजिडेंसी में रहने लगे जहां उनकी एक पारसी रूम पार्टनर नवल भथेना से मुलाकात हुई जो आजीवन उनके मित्र रहे यूएसए में रहना डॉक्टर अंबेडकर के लिए काफ़ी राहत भरा था यहाँ कोई उनकी अछूत जाति के बारे में सवाल नहीं करता था उन्हें हर तरह की आज़ादी थी वह सिनेमा देख सकते थे खा पी सकते थे जो भी उनकी इच्छाएं थी वह सब कर सकते थे पर उनके पास न पैसा था और न ही इच्छा कि इन बेकार की चीज़ों के पीछे भागे वह सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगे अपने वजीफे का एक भाग वह भारत में अपनी पत्नी को भेजने लगे जिसे उनके बड़े परिवार को अकेले ही संभालना पड़ रहा था डॉक्टर अंबेडकर तभी खाना खाते जब उन्हें भूख लगती फिर भी वह अच्छे स्वास्थ्य के शरीर को पाने लगे क्योंकि वह नियमित रूप से व्यायाम करते थे अमेरिकी लोग उनके आकर्षक शरीर से बहुत प्रभावित होते थे अमेरिका के अनुकूलन वातावरण ने उनमें और भी कई चीजों का विकास किया उनमें भाषागत कौशल आया एवं उनके दृष्टिकोण में विकास आया एक बार उन्होंने कहा था हमें इस भाग्यवादी विचारधारा को अस्वीकार कर देना चाहिए कि बच्चों को जन्म देने वाले माता पिता ही अपने बच्चों के कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं है बल्कि हमें इस अवधारणा को अपने मस्तिष्क की गहराई में बैठा लेना चाहिए कि माता पिता ही अपने बच्चों के भविष्य के लिए उत्तरदायी है अगर लड़कियों को भी अपने भाइयों के साथ शिक्षित किया जाए तो हम शीघ्र ही उन्नति करेंगे जॉन ड्यू, जेम्स हावे, शॉटवेल एडविन सेलिंगमैन, जेम्स हार्वे रॉबिन्सन फ्रैंकनी डिगिज और एलेक्जेंडर गोल्डर वेजर जैसे वरिष्ठ प्रोफेसरों का अंबेडकर पर गहरा प्रभाव पड़ा वह जॉन डी के बहुत करीब और उनसे प्रभावित भी थे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इतिहास समाजशास्त्र मानवशास्त्र दर्शनशास्त्र मनोविज्ञान और अर्थशास्त्र जैसे विषयों का अध्ययन किया उनके अध्ययन का विषय हमेशा भारतीय विषय वस्तु ही रही है एम ए में उन्होंने शोध का पर्चा एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी पर लिखा और पी में उनके शोध का विषय था द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया वर्ष 1915 में उन्होंने एम किया और 1916 में पी की डिग्री कोलंबिया विश्वविद्यालय से प्राप्त की बाबा साहब के लिए अस्पृश्यता और गोरे काले का रंग भेद दो अलग अलग विषय थे इस समय भारत का स्वतंत्रता आंदोलन जोरों पर था जब लाला लाजपत राय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए समर्थन प्राप्त करने अमेरिका आए तब उन्होंने बाबा साहब से भी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने का आग्रह किया था पर बाबा साहब ने उनका यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया क्योंकि वह पहले अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहते थे बाबा साहब के अनुसार भारत के हरिजन अपने मूलभूत अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं उनके लिए यह जातिगत मतभेद की लड़ाई भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई से कम महत्वपूर्ण नहीं है लाला लाजपत राय ने उनकी मजबूरी को समझा और दोबारा उनसे आग्रह नहीं किया बाबा साहब ने अमेरिका में तीन महत्वपूर्ण के निर्माण में एक बड़ा योगदान दिया अध्याय तीन भारत वापसी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कानून और राजनीति विज्ञान का अध्ययन करना चाहते थे इसलिए उन्होंने लंदन जाने का निर्णय लिया जहाँ कानून की पढ़ाई के लिए ग्रेज इन तथा अर्थशास्त्र की पढ़ाई के लिए लंदन के इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस यूनिवर्सिटी में अपना दाखिला लिया इसी बीच उन्होंने बड़ौदा के कोषाध्यक्ष को पत्र लिखा कि उनका मासिक वजीफा उनके लंदन के पते पर भेजा जाए पर वहां के अफसर लोग उनका वजीफा बढ़ाने को तैयार नहीं थे उनसे तुरंत भारत वापस आने को कहा गया डॉक्टर अम्बेडकर इन नए हालातों से उदास हो गए और बेमन से उन्होंने अपना सामान थॉमस कुक एंड सन्स द्वारा बम्बई भिजवाया तथा खुद केसर ए हिंद जहाज से स्वदेश रवाना हो गए कहते हैं कि मुसीबत कभी अकेले नहीं आती जिस जहाज से उनका सामान आ रहा था वह बीच समुद्र में डूब गया उस समान में उनकी कई कीमती पुस्तकें थी जो उन्होंने अमेरिका में एकत्रित की थी डॉक्टर अंबेडकर 21 अगस्त 1917 को बंबई भारत वापस पहुंचे अनुबंध के अनुसार बाबा साहब को बड़ौदा जाना था पर उन्हों उनके पास बड़ौदा जाने के रुपए नहीं थे तभी उन्हें यह शुभ समाचार मिला कि उनके सामान के खो जाने पर उन्हें बीमे के दो हज़ार रुपये मिले उन्होंने कुछ रुपए अपनी पत्नी को दिए और स्वयं बड़ौदा के लिए रवाना हो गए उन्होंने तार द्वारा अपने आने की सूचना बड़ौदा भेज दी थी बड़ौदा के महाराज सयाजी राव गायकवाड़ इस समाचार से बहुत खुश थे उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर और उनके भाई को स्टेशन से लाने के लिए अपने अधिकारियों को कहा भी पर कोई भी उन्हें लेने नहीं आया आखिर अछूतों को कोई क्यों लेने आता दोनों भाई शहर में रहने के लिए जगह ढूंढते रहे आखिरकार उन्होंने तय किया कि अपनी जाति नहीं बताएंगे और इस तरह उन्हें एक पारसी होटल में रहने को जगह मिल गई डॉक्टर अंबेडकर को महाराज की फौज में सचिव की नौकरी मिल गई यह एक सम्मानजनक नियुक्ति थी पर महाराज के चपरासी और क्लर्क ऐसा नहीं सोचते थे वे हमेशा उनकी फाइलें मेज पर फेंक कर देते थे ताकि कहीं वह उस अछूत व्यक्ति से छू न जाए डॉक्टर अंबेडकर को कभी भी दफ्तर में पानी नहीं पिलाया जाता था वह अपना खाली समय पुस्तकालय में बिताते थे इस पक्षपातपूर्ण व्यवहार के बावजूद उन्होंने कभी भी अपनी शांति व धैर्य नहीं खोया इसी बीच जिस होटल में वह रह रहे थे वहां के मालिक को उनकी जाति के बारे में पता चल गया और उसने उन्हें होटल से निकाल दिया डॉक्टर अंबेडकर ने महाराज को अपने रहने की समस्या के, समस्य के बारे में बताया महाराज ने अपने दीवान से इस विषय में बात की पर दीवान ने अपनी मजबूरी बताई कि वह अम्बेडकर की मदद नहीं कर सकते अपनी इस स्थिति से डॉक्टर अम्बेडकर बहुत दुखी हुए उन्हें लगा कि उस शिक्षा भी उनके जाति के साथ हो रहे भेदभाव को दूर नहीं कर पाई आज भी लोग उन्हें अछूत ही मान रहे हैं वर्ष 1917 में उन्होंने बंबई वापस लौटने का निश्चय किया बम्बई में उन्होंने अपने साथ हो रहे इस पक्षपातपूर्ण व्यवहार के बारे में अपने गुरु व परामर्शदाता केलुस्कर को बताया श्री केलुस्कर जी ने एक मित्र प्रोफेसर जोशुदाजी बड़ौदा में थे वह डॉक्टर अंबेडकर को अपने घर पर रखने को तैयार भी हो गए पर जब डॉक्टर अंबेडकर बड़ौदा पहुंचे तो स्टेशन पर उन्हें जोशी जी का पत्र मिला कि उनकी पत्नी किसी अछूत व्यक्ति को घर में नहीं रखना चाहती डॉक्टर अंबेडकर ने तुरंत बम्बई वापसी का टिकट ले लिया वह और शर्मिंदगी नहीं उठाना चाहते थे बम्बई में उनसे अछूतों के लिए होने वाले सम्मेलनों में भाग लेने को कहा गया पर उन्होंने मना कर दिया क्योंकि इस समय उनके लिए नौकरी करना जरूरी था उन्हें छोटे मोटे कई काम करने पड़े उन्होंने शेयर सलाहकार का काम भी शुरू किया पर जब लोगों को उनकी जाति के बारे में पता चला तो उन्होंने उनके पास आना बंद कर दिया इसी बीच डॉक्टर अम्बेडकर ने ब्रिटेन के प्रसिद्ध दार्शनिक बर्टांड की पुस्तक रिकंस्ट्रक्शन के लिए एक आलोचनात्मक लेख लिखा जो इंडियन इकोनॉमिक्स सोसाइटी में प्रकाशित हुआ इसी तरह उनके कई लेख व निबंध प्रतिष्ठित पत्र, पत्र पत्रिकाओं में छपने लगे पर वह अब भी एक सम्मानजनक नौकरी की प्रतीक्षा में थे आखिरकार भाग्य उन पर मुस्कुराया उन्हें बम्बई के सीडेन हम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में लेक्चरर के एक रिक्त स्थान के बारे में पता चला उन्होंने तुरंत उस पद के लिए आवेदन दिया उन्होंने प्रोप्राइटर एडविन कॉनन का हवाला भी दिया उस पद के लिए कई योग्य उम्मीदवार थे पर डॉक्टर अम्बेडकर को उस पद के लिए चुन लिया गया अस्पृश्य जाति का होने के बावजूद उन्हें उनकी विशेष योग्यताओं के कारण इन्हें अर्थशास्त्र के अस्थायी प्रोफेसर की नियुक्ति मिल गई उन्होंने चार सौ मासिक वेतन पर 11 नवंबर 1918 को पद ग्रहण किया आरंभ में छात्रों ने अस्पृश्य जाति के लेक्चरर की कक्षा में जाने में कोई रुचि नहीं दिखाई पर अंबेडकर जी पूरी निष्ठा व लगन से अपना कार्य करते रहे और जल्द ही अपने विस्तृत ज्ञान के लिए प्रसिद्ध हो गए छात्रों के संग उनकी घनिष्ठता व आत्मीयता पूर्ण व्यवहार बढ़ने लगा छात्र उनके व्याख्यान सुनने को ललायित रहने लगे यहाँ तक कि अन्य कॉलेज के छात्र भी उनके व्याख्यान सुनने के लिए आने लगे उनके उनके जो सहकर्मी उनके साथ भेदभाव करते थे धीरे धीरे वे वे सभी इस पक्षपातपूर्ण व्यवहार को भूलने लगे वे समानता के इस संघर्ष की राह पर आगे बढ़ने लगे अपने खाली समय में वह आसपास के पिछड़े इलाकों में जाते और पिछड़े व निराश लोगों में जागरूकता फैलाते उनके उनके अधिकारों के प्रति सचेत कराते इसी दौरान उनका परिचय महाराष्ट्र के कोल्हापुर के छत्रपति साहू महाराज से हुआ जो छत्रपति शिवाजी के वंशज थे तथा पिछड़ी जाति के लोगों से हमदर्दी रखते थे शिवाजी की फौज में उनके महत्वपूर्ण योगदान को सराहते थे वह डॉक्टर अंबेडकर को दलित जाति के लोगों के लिए कार्य करने और उनकी उन्नति के लिए निरंतर प्रोत्साहित करते उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को एक पत्रिका निकालने को कहा जो इसी कार्य में सहयोग दे उन्होंने 31 जनवरी 1920 को मुक नायम नामक मराठी पाक्षिक पत्रिका निकाला इस पत्रिका के लिए उन्होंने स्वयं चंद्रा एकत्रित किया डॉक्टर अंबेडकर को अब भी अपनी उस डिग्री की कमी महसूस होती जिसे वह लंदन से प्राप्त नहीं कर सके थे उन्होंने लंदन यूनिवर्सिटी से पता किया कि क्या अब भी उन्हें दाखिला मिल सकता है उनकी प्रसन्नता की सीमा नहीं रही जब उन्हें पता चला कि वह अभी लंदन जाकर पढ़ाई कर सकते हैं डॉक्टर अंबेडकर 5 जुलाई 1920 को अपने प्रोफेसर के नौकरी छोड़कर लंदन जाने की तैयारी करने लगे उन्होंने अपने मित्र नवल भथेना से पाँच हजार रुपये उधार दिए कोल्हापुर के साहूजी महाराज से भी उन्होंने कुछ आर्थिक सहायता ली अध्याय चार लंदन रवानगी डॉक्टर अंबेडकर कानून और अर्थशास्त्र का पूरा ध्यान करने के लिए जुलाई 1920 को लंदन पहुंचे उन्होंने इस अवसर का पूरा लाभ उठाया उन्होंने अपनी इस पढ़ाई के साथ साथ लंदन संग्रहालय के पुस्तकालय में भी प्रवेश लिया इस पुस्तकालय में उन पुस्तकों तथा पत्रिकाओं का बड़ा संग्रह था जो उनके लिए बहुत उपयोगी था अब उनका काफी समय इसी पुस्तकालय में बीतने लगा वह इंडियन ऑफिस पुस्तकालय तथा लंदन यूनिवर्सिटी पुस्तकालय भी जाने लगे लंदन में डॉक्टर अम्बेडकर एक पेइंग गेस्ट के रूप में रहने लगे वह दिन में सिर्फ दो बार खाना खाते थे एक बार सुबह और दूसरी बार शाम को अपना अधिकतर समय वह पढ़ने में बिताने लगे एक बार किसी ने उनको सलाह भी दी कि थोड़ा आराम भी किया करें। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि मेरे पास न पैसा है न खाना है और न ही सोने का समय डॉक्टर अंबेडकर हमेशा भारत के दलितों के हालात उनकी उन्नति के लिए संवेदनशील रहे वह अपने सह कार्यकर्ताओं के साथ लगातार संपर्क में रहे और समय समय पर उन्हें सलाह देते रहे इन दिनों डॉक्टर अंबेडकर को काफ़ी आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ रहा था उनके अधिकतर रुपए पुस्तकों को खरीदने में खर्च हो जाते थे अब तक वह अपने पीएचडी अमेरिका यूनिवर्सिटी से कर चुके थे एम एस डी डी एस सी और कानून की डिग्री भी वह लंदन यूनिवर्सिटी से यूनिवर्सिटी से प्राप्त कर चुके थे उन्होंने सोचा कि अब सही समय है और उन्हें भारत लौट जाना चाहिए अध्याय पाँच समानता का संघर्ष डॉक्टर अंबेडकर का विवाह रमाबाई से सन 1908 में हुआ था पर उन्होंने अपनी पत्नी के साथ समय अब उन्होंने पत्नी के इस त्याग को महसूस किया जब वह विदेश में थे तब भी वह अपनी पत्नी को अपनी बचत से खर्चा भेजा करते थे डॉक्टर अंबेडकर दो पुत्रों गंगाधर तथा यशवंत राव के पिता बने उनके पुत्र गंगाधर की मृत्यु बचपन में ही किसी बीमारी से हो गई थी हर पिता की तरह वह भी अपने इकलौते पुत्र यशवंत राव के स्वास्थ्य तथा पढ़ाई के लिए चिंता रहा करते थे डॉक्टर अंबेडकर ने जुलाई 1923 में बम्बई उच्च न्यायालय में एक वकील के रूप में कार्य आरंभ किया यहाँ पर यहाँ भी वकील अस्पृश्य जाति के वकील को सहयोग देने को तैयार नहीं थे उन्हें पिछड़ी जाति तथा निचले तबके के लोगों के, के केस ही मिलते थे इसी से उनका गुजारा चलता था धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति ठीक होने लगी अब उन्होंने ऐसे संस्थान की आवश्यकता महसूस की जो दलित समुदाय की उन्नति के लिए आंदोलन चला सके इसी बीच उन्होंने उन्हें एक मानहानि का केस मिला यह केस तीन लेखकों बागड़े जेचे और जवलकर के खिलाफ हुआ था ये तीनों लेखक निचले तबके के थे और उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी एनिमीज ऑफ कंट्री जिसमें उन्होंने ब्राह्मणों को देश की दुर्दशा के लिए दोषी ठहराया था, था। ब्राह्मण ही अस्पृश्यता सामाजिक शोषण कुप्रथाव तथा जातिवाद के द्वारा समाज को विभिन्न वर्गों में बांट रहे थे उन्होंने ही अपनी कार्य सूची हिंदुओं पर थोपी है हिंदू सुधार कार्यक्रम ने भी इसकी पुष्टि की है पुणे के ब्राह्मणों की पिटीशन को कोर्ट ने डॉक्टर अंबेडकर की दलीलें सुनकर खारिज कर दिया और केस खत्म हो गया यह केस डॉक्टर अंबेडकर के लिए व्यक्तिगत जीत थी देश के दलित लोग अब उन्हें अपने नेता के रूप में देखने लगे थे ऐसा नेता जो उन्हें अस्पृश्यता के जीवन से आजाद कराएगा डॉक्टर अंबेडकर ने 20 जुलाई 1924 को दलितों के विकास के लिए बहिष्कृत हित सभा की स्थापना की इस संस्था के प्रथम अध्यक्ष गुजराती हिंदू एवं प्रसिद्ध वकील सर चिमन लाल हीरा लाल सेतलवाड़ थे डॉक्टर अंबेडकर कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष थे उन्होंने कुछ उच्च वर्ग के हिंदुओं को भी इस सोसाइटी की कार्यकारी समिति में शामिल किया सोसाइटी महाराष्ट्र के हर प्रांत में सम्मेलनों का आयोजन करने लगी सोसाइटी का तीसरा सम्मेलन 10 से 11 अप्रैल 1925 को आयोजित किया गया बेलगांव में निपाणी जिले में आयोजित सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने भाषण देते हुए कहा महात्मा गांधी हरिजनों के उत्थान पर इतना जोर नहीं देते हैं जितना हिंदू मुस्लिम एकता पर और खादी के इस्तेमाल पर उन्होंने लोगों से कहा कि वे अपने हक के लिए लड़े उन्होंने अमेरिका तथा फ्रांस के उदाहरण दिए और कहा हजारों लोग मरे पर अगली पीढ़ी ने इसका आनंद लिया अगर अभी बलिदान देंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां इसकी सफलता को भोग सकेंगी हमारी बिरादरी में माता पिता बच्चों का विवाह तो कर देते हैं पर यह नहीं देखते कि उनके बच्चे अपने पैरों पर खड़े हैं आत्मनिर्भर हैं या नहीं इसलिए वे बच्चों की खराब परिस्थितियों का कारण बन जाते हैं सोसाइटी का प्रभाव दलित आंदोलन पर भी पड़ा और सोसाइटी दलित आंदोलन का मंच बन गई इस संगठन ने दलितों के रहने के लिए कई होस्टल शुरू किए और सरस्वती विलास नामक एक पत्रिका निकाली। वर्ष में बाबा साहब की नियुक्ति बम्बई विधानमंडल के सदस्य के रूप में हुई बाबा साहब ने अपने इस नए पद को बहुत सम्मान दिया अपने स्वागत भाषण में उन्होंने विधानसभा में उस समय के बजट की आलोचना भी की एक बार उन्होंने गृह मंत्री

उसके उपयोग को कानूनी करार दिया गया था हरिजन कुओं तालाबों नदी जैसे जगहों से पानी ले सकते थे अछूतों को इन आम जगहों से पानी लेने का कानूनी अधिकार था बाबा साहब ने इसी नए कानून की मदद से आम जगहों से पानी पीने का हक अछूतों को दिलाने का संघर्ष किया उन्होंने महार से यह लड़ाई शुरू की क्योंकि वह इस क्षेत्र को जानते थे चौदार तालाब को मुक्त कराने हेतु महार सम्मेलन 19 मार्च 1927 को आयोजित किया गया जिसमें पांच हजार लोगों ने भाग दिया गुजरात तथा महाराष्ट्र से लोग महार में एकत्र हुए इस दिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने तीन नए संकल्प दिलवाए पहला मृत जीवों का मांस नहीं खाए दूसरा लोगों की पत्तलों में छोड़ी जुठन न खाए और तीसरा अपनी जातिगत रुकावटों को न देखते हुए किसी भी मध्यवर्गीय जाति के लोगों की तरफ पेश आए उनके जैसा रहन सहन अपनाए इसी सम्मेलन में यह निर्णय भी लिया गया कि महार तालाब का पानी वहां के सभी लोगों के लिए उपलब्ध है चाहे वे किसी भी जाति के हो जैसे कि म्यूनिसिपल फैसले में कहा गया है बाबा साहब एक जुलूस के साथ महार के सड़कों से होते हुए महार तालाब तक पहुंचे वहां पहुंचकर उन्होंने उस तालाब का पानी स्वयं चुल्लू भरकर पिया उसके बाद सभी ने वह पानी पिया फिर सब सम्मेलन कक्ष में लौट आए कुछ स्वर्ण हिंदू इस घटना को देख रहे थे उन्होंने इसका विरोध करने की कोशिश की आखिर वह इन अछूतों को पीने के पानी को कैसे छूने देते उन्होंने उसी वक्त सम्मेलन कक्ष पर हमला किया जब लोग वहां खाना खा रहे थे कुछ लोग बुरी तरह घायल भी हुए बाबा साहब को बहुत क्रोध आया परंतु सवर्णों के इस हरकत पर भी वे शांत रहे और क्रोध को दबा गए क्योंकि वह जानते थे कि यह समय धैर्य रखने और निर्णय लेने का है वहां उपस्थित लोगों से उन्होंने कहा कि वे विरोध न करें और अपना कार्य अहिंसा का रास्ता अपनाते हुए जारी रखें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की यह दूरदर्शिता थी वरना परिस्थिति विस्फोटक हो जाती क्योंकि इसी सम्मेलन में बहुत से ऐसे फौजी भी मौजूद थे जो उस फौज से थे जिसने अफगानिस्तान की लड़ाई में और अन्य लड़ाइयों में भाग दिया था वे विरोधियों के लिए आतंक पैदा कर सकते थे पुलिस के आने पर बाबा साहब ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया पांच हमलावरों को सजा हुई यह महार सत्याग्रह दलित आंदोलन के लिए मिलकर पत्थर साबित हुआ डॉक्टर अंबेडकर की यह पहली बड़ी उपलब्धि थी इतिहास में यह पहला अवसर था जब दलितों ने अपने हक के लिए सीधी टक्कर ली थी इस सम्मेलन की खबर जंगल में आग की तरफ फैली लोगों ने इस सम्मेलन में लिए गए तीन संकल्पों पर पूरी तरह अमल करना शुरू कर दिया दलितों पर इस कार्य का बुरा असर भी पड़ा कई गांव में उनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया देश भर में इस घटना की प्रतिक्रिया भी हुई पर वीर सावरकर जैसे कई समाज सुधारकों ने डॉक्टर अंबेडकर को अपना पूरा समर्थन दिया अध्याय कई संघर्ष उन दिनों डॉक्टर अंबेडकर प्रेस के हल्के रुख में पक्ष में नहीं थे वह दलितों की आवाज उठाने के लिए एक समाचार पत्र निकालना चाहते थे तीन अप्रैल 1927 को उन्होंने बहिष्कृत भारत दी साइड इंडिया नामक पाक्षिक समाचार पत्र निकालना आरंभ किया तीन वर्ष की अवधि तक चले इस समाचार पत्र ने दलितों के लिए पूरे जोर शोर से आवाज उठाई थी डॉक्टर को पता चला कि कुछ ब्राह्मण तालाब के पानी का शुद्धिकरण कर रहे हैं वह इस नए हालात से बहुत क्रोधित हुए दूसरा धक्का उन्हें तब लगा जब एक और नया फैसला लिया गया जो पिछले फैसले को रद्द करता था जिसमें कहा गया था कि महार तालाब का पानी हर जाति के व्यक्ति के लिए पीने के लिए उपलब्ध नहीं है बाबा साहब ने इस फैसले के विरोध में सत्याग्रह करने का निर्णय किया। उन्होंने सोसाइटी के सभी कार्यकर्ताओं से महार तालाब के पानी के लिए किए गए जाने वाले सत्याग्रह में भाग लेने को कहा इसी बीच कुछ स्वर्ण हिंदू सिविल कोर्ट से यह आदेश ले आए कि अंबेडकर और बाकी लोगों को सत्याग्रह करने से रोका जाए कोर्ट ने इसी पक्ष में एक नोटिस दिया डॉक्टर अंबेडकर और बाकी कार्यकर्ता इस नोटिस की परवाह किए बगैर पैदल महार तालाब पहुंचे पुलिस महार तालाब की निगरानी कर रही थी डॉक्टर अंबेडकर जब वहां पहुंचे तो जिला मजिस्ट्रेट ने समन भेजा और इस संघर्ष को खत्म करने को कहा डॉक्टर अंबेडकर ने कुछ नहीं कहा और सम्मेलन की जगह लौट गए जहां अनेक गांव के लगभग पंद्रह हजार कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया उन्होंने इस सम्मेलन की तुलना फ्रांस के उस राष्ट्रीय रैली से की जो पाँच मई सत्रह सौ नवासी को की गई थी डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा हम भी अपने आप को उन्हीं की तरह हरकत में लाना चाहते हैं जो रास्ता हमने चुना है वही हिंदू समाज की उन्नति के लिए सही है हिंदू समाज को फिर से उन दो सिद्धांतों के आधार पर चलना होगा समानता और जातिगत मतभेद की समाप्ति का उन्होंने सत्याग्रहियों से कहा कि वे इस महार तालाब को न छुए क्योंकि उनकी लड़ाई उच्च वर्गीय ब्राह्मणों से है सरकार से नहीं उनका मकसद हिंदू समुदाय में समानता लाना है उन्होंने वहां उपस्थित औरतों से भी कहा कि उन्हें भी अपनी स्वच्छता तथा पहनावे पर ध्यान देना चाहिए उन्होंने कहा कि उन्हें भी उच्च वर्ग की स्त्रियों की तरह पहनना उड़ना चाहिए और अपने बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए सभी स्त्रियों ने बाबा साहब की इस सलाह को गंभीरता से लिया और अगले दिन से वे स्वच्छता से तैयार होकर आई अध्याय सात साइमन कमीशन और गोलमेज सम्मेलन सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में बने साइमन कमीशन 3 अगस्त 1928 को भारत आया कांग्रेस पार्टी ने इसका बहिष्कार किया क्योंकि इसमें किसी भारतीय का प्रतिनिधित्व नहीं था और यह एक आम भारतीय की भलाई के लिए नहीं था साइमन कमीशन का विरोध काले झंडे दिखाकर किया गया लोगों ने साइमन वापस जाओ के नारे लगाए इसी विरोध के दौरान लाहौर में लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज किया गया इसमें वे गंभीर रूप से घायल हुए बाद में 17 नवंबर 1928 को उनका निधन हो गया लाला लाजपत राय के निधन पर डॉक्टर अंबेडकर ने एक शोक सभा का आयोजन कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए डॉक्टर अंबेडकर ने भी कुछ अन्य दलित संस्थाओं की तरह सोचा कि सरकार का विरोध करना दलितों के हक में ठीक नहीं होगा वह कमीशन से मिले और दलित वर्ग के हितों में कार्य करने वाली अपनी सोसाइटी की तरफ से अपनी मांगे पेश की उन्होंने कमीशन से आग्रह किया कि वह दलितों की शिक्षा व उन्नति की तरफ से फिर से ध्यान दे और कुछ ऐसे सुझाव भी दिए जिससे उनकी स्थिति में सुधार आए अपने दूसरे प्रतिरोध के रूप में उन्होंने विधानमंडल की 140 सीटों में से 22 को इसके लिए सुरक्षित करने को कहा उन्होंने चौरानवे पृष्ठ का एक मेमोरेंडम भी कमीशन के समक्ष रखा तब उन्होंने साइमन रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किए राष्ट्रीय नेताओं ने डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा साइमन कमीशन के समर्थन की आलोचना की उन्हें लगा कि यह स्वतंत्रता आंदोलन के हक में सही नहीं है पर जब वह मेमोरेंडम सबके सामने आया तो डॉक्टर अंबेडकर की राष्ट्रीय अंबेडकर से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें देश के एक प्रमुख नेता के रूप में जाना जाने लगा डॉक्टर अंबेडकर का प्रभाव अब बढ़ता जा रहा था उन्होंने अछूतों के मंदिरों में प्रवेश को लेकर किए गए जाने वाले सत्याग्रह का प्रचार करना आरंभ किया इससे हिंदू समाज में दलितों की एक खास जगह बनती अट्ठाईस उन्नीस सौ को आयोजित दलित सम्मेलन में दिए गए अपने पहले भाषण में उन्होंने कहा कि अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए राजनीतिक ताकत की जरूरत है केवल राजनीतिक सशक्तिकरण ही हमारे रहने के स्तर में सुधार लाएगा सिर्फ पहनावा उच्च वर्ग सा कर लेना ही उन्नति नहीं है वास्तविक उन्नति केवल राजनीतिक ताकत से ही आ सकती है अंग्रेजी शासन के अनुसार कानून सामाजिक भेदभाव को नहीं मिटा सकता है अतः हमें राष्ट्रीय स्वतंत्रता की लड़ाई लड़नी चाहिए मेरा ब्रिटिश सरकार में कोई विश्वास नहीं है हमें अपने आप को उदार बनाना पड़ेगा ब्रिटिश सरकार सिर्फ बिजने, बिजनेस माइंडेड है इस सम्मेलन में महार चंबर ठोर आदि जगहों से आए लोगों ने भाग लिया था डॉक्टर अंबेडकर का महार में दिया गया यह भाषण उनके पिछले पक्ष का समापन था पिछले विचारों के अनुसार वह पूरी तरह से सरकार के विरोध में नहीं थे पर अब पूरी तरह से सरकार का विरोध करने लगे थे वे अब देश की पूर्ण स्वतंत्रता चाहते थे और वह देश के अन्य राष्ट्रीय नेताओं के साथ मिलकर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने लगे 8 अगस्त 1930 को दलित वर्ग का दूसरा सम्मेलन आयोजित किया गया इस सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि पहले गोलमेज सम्मेलन में दलित वर्ग के प्रतिनिधि भी भाग लेंगे 12 नवंबर 1930 में डॉक्टर अंबेडकर ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में दलितों के प्रतिनिधि के रूप में भाग दिया इसकी अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेम्स मैकडोनाल्ड ने की थी डॉक्टर अंबेडकर ब्रिटिश सरकार के समक्ष दलितों की दयनीय स्थिति रखी उन्होंने कहा कि ब्रिटिश सरकार ने दलितों और शोषित वर्ग की उन्नति के लिए बहुत कम काम किया है जबकि भारत की जनसंख्या में इनका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है अपने इस भाषण में डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों की समस्या को अंतरराष्ट्रीय मंच दिया वह 27 नवंबर 1931 को भारत वापस लौटे अध्याय 8 महात्मा गांधी का प्रभाव डॉक्टर अंबेडकर को एक बार फिर पूरे गोलमेज सम्मेलन के लिए महात्मा गांधी के साथ लंदन बुलाया गया उनके साथ मोहम्मद अली जिन्ना और सर तेज बहादुर सप्रू भी उस सम्मेलन में भाग लेने जा रहे थे महात्मा गांधी अभी भी विचार कर रहे थे कि वह इस सम्मेलन में भाग ले या नहीं भाग लेने से पहले वह डॉक्टर अंबेडकर से मिलना चाहते थे डॉक्टर अंबेडकर 14 अगस्त 1931 को महात्मा गांधी से मिले इस मुलाकात के दौरान महात्मा गांधी ने उनसे कहा कि उनके लिए दलित वर्ग की समस्याएं हिंदू मुस्लिम एकता से अधिक महत्वपूर्ण है सिर्फ वे ही अंबेडकर उन्हें इन विषयों को ठीक से संबोधित नहीं करने दे रहे हैं उन्होंने कहा कि उन्होंने 20 लाख रूपये इस भेदभाव को समाप्त करने के लिए खर्च किए हैं डॉक्टर अंबेडकर ने तुरंत कहा मुझे वाकई इस इस बारे में नहीं पता है उन्होंने आगे कहा कि तरह तरह के कांग्रेस के कांग्रेस सभी प्रयत्न उसी हैं जैसे हमें त्योहारों पर नए कपड़े पहनने को दिए जाए जब गांधी के के जी ने डॉक्टर अंबेडकर के योगदान की सराहना प्रथम गोलमेज सम्मेलन में की तो अंबेडकर भावुक हो गए और उन्होंने कहा आप मुझसे मेरी मातृभूमि के बारे में बात कर रहे हैं कोई भी दलित जिसमें थोड़ी सी भी आत्मसम्मान है और जो थोड़ी सी भी मानवीय भावना रखता है वह इस भूमि को अपनी मातृभूमि नहीं कहेगा जहाँ उसे बिल्ली और कुत्तों से भी बदतर हालातों में रहना पड़ता है और उसे जानवरों की सी भी हमदर्दी हासिल नहीं होती उन्होंने कहा कि आप बारदोली में किसानों पर हुए अत्याचार पर इतनी आवाज़ उठा रहे हैं पर दलितों की समस्याओं और चीखों को नहीं सुन पा रहे हैं आपके राष्ट्रीय प्रेस में भी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जो देश को हमारे दुखों के बारे में बताए डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी की पहली मुलाकात सहज नहीं थी और इस मुलाकात ने दोनों राष्ट्रीय नेताओं के बीच असंतोष का ऐसा भाव पैदा किया जो कभी भी दूर नहीं हुआ गांधी जी से हुई पहली मुलाकात से पहले डॉक्टर अंबेडकर ने पिछड़ी जाति के युवाओं को संबोधित करते हुए खुलेआम गांधी जी की नीतियों की आलोचना की उन्होंने कहा मैं वादा करता हूं कि मैं हमेशा अछूत जाति की उन्नति के लिए कार्य करता रहूंगा अहमदाबाद अब तक का व्यवसाय संबंधी बातों का केंद्र रहा है पर गांधी जी के आगमन के बाद यहाँ केवल राजनीति की बातें ही होती है मुझे लगता है आपको मुझसे अधिक राजनीति के बारे में पता है मुझे लगता है कि जो खादी पहनते हैं उन्हें गांधी जी की राजनीति की ताकत के बारे में वाकई नहीं पता है क्या वे यह सब जानते हैं क्या सत्याग्रह में बैठकर आप विजय पा सकते हैं सशक्त ब्रिटिश गांधी जी के समक्ष पीछे हो रहे हैं पर मैं सभी खादी पहनने वालों से पूछता हूँ कि आपने अपनी उन्नति के लिए क्या किया वह आपसे आजादी के लिए सत्याग्रह में भाग लेने को कहते हैं पर उन्होंने अस्पृश्यता को मिटाने के लिए क्या किया और कुओं से पानी लेने के आपके हक के लिए क्या किया बहुत से मेरे अपने भी मुझसे नफरत करते हैं पर इसकी मुझे परवाह नहीं है आप कहते हैं कि इस देश के लिए हमें भी कुछ करना चाहिए पर क्या इस देश को हम अपना कह सकते हैं वे लोग आपको इंसान भी नहीं समझते वे नहीं चाहते कि आपके पास अपनी जमीन हो वे आपको चलने के लिए रास्ता नहीं देना चाहते आप किस तरह इस देश को अपना कह सकते हैं मैं गोलमेज सम्मेलन में पिछड़ी जाति के लाभ के लिए गया था पर गांधी जी को भी कांग्रेस ने भेजा जो ठीक नहीं है वह हिंदू मुस्लिम एकता की आवश्यकता या हिंदू सिख एकता की बात करते हैं पर हम अछूते के बारे में क्यों नहीं डॉक्टर अंबेडकर ने आगे कहा कि इस गोलमेज सम्मेलन में मैंने देश के लिए तर्क दिए मैं पूरे देश के लिए लड़ा जो किसी और हिंदू ने नहीं किया मुझे यह छूट दीजिए कि मैं भी अपने देश की आजादी चाहता हूँ हर व्यक्ति की तरह पर पहले मैं अपनी जाति की आजादी चाहता हूँ इस जातिगत भेदभाव को मिटाना मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है डॉक्टर अंबेडकर 29 अगस्त 1931 को दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे इस बार उनके कानूनी ज्ञान के कारण उनकी नियुक्ति फेडरल स्ट्रक्चर कमेटी में हुई महात्मा गांधी भी अपने नए कांग्रेसी सहयोगियों पंडित मदन मोहन मालवीय सरोजनी नायडू के आदि के साथ इस सम्मेलन में भाग लेने गए थे डॉक्टर अंबेडकर ने व्यस्क मताधिकार की मांग कमेटी के समक्ष के सामने रखी उन्होंने स्पष्टीकरण देते हुए कहा अगर सिर्फ कुछ लोगों को मत, मत देने का अधिकार है तो सरकार अल्पसंख्यकों की बनेगी जिसे यह विश्वास प्राप्त होगा कि वह बहुसंख्यकों के हितों के लिए उत्तरदायी होगी उन्होंने कहा कि मेरे लिए इस सम्मेलन में केवल बहस के दो मुद्दे हैं क्या भारत में कोई जिम्मेदार सरकार बनेगी और अगर बनेगी तो वह किसके लिए जिम्मेदार होगी मुझे आश्चर्य है कि जो लोग एक जिम्मेदार सरकार चाहते हैं वे सब व्यस्क भारतीय लोगों को मताधिकार देना नहीं चाहते महात्मा गांधी और अन्य कांग्रेसी नेताओं ने भी व्यस्क मताधिकार की मांग की किसी भी व्यस्क भारतीय से मत देने का अधिकार उसकी गरीबी तथा अशिक्षा के आधार पर नहीं छीना जाना चाहिए एक शिक्षित व्यक्ति समझदार होता है और अपने हित को समझता है पर यह अन्यायपूर्ण है कि आप अपना प्रतिनिधि नहीं चुन सकते क्योंकि आप गरीब हैं। स्वतंत्र लोकतांत्रिक सरकार इस बात पर निर्भर होनी चाहिए कि व्यक्ति अपने अनुभव द्वारा दु, दु, सीखता है लंदन में गांधी जी तथा अम्बेडकर के बीच और वैचारिक मतभेद पैदा हो गए गांधी जी दलितों को अल्पसंख्यक समुदाय मानने को तैयार नहीं थे और अंबेडकर उनके इन विचारों से सहमत नहीं थे उन्होंने कहा अब तक की गांधी जी से हुई अपनी मुलाकातों से मैं यही समझ पाया हूँ कि गांधी जी दलितों और एंग्लो क्रिश्चियनों को अल्पसंख्यक समुदाय मानने को तैयार नहीं है और यदि भविष्य में हमारा संवैधानिक हक नहीं है तो हम किसी बातचीत में भाग नहीं लेना चाहते दूसरे गोलमेज सम्मेलन की गतिविधियों की सूचना भारत में जंगल की आग की तरह फैल गई दलितों ने एक सभा बुलाई और यह संकल्प लिया कि डॉक्टर अंबेडकर उनके प्रतिनिधि हैं फिर उन्होंने इस निर्णय से संबंधित तार लंदन भेजे डॉक्टर अंबेडकर अपनी इस मांग पर अंत तक टिके रहे कि दलितों को भी स्वतंत्र मताधिकार का हक मिलना चाहिए 20 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक निर्णय कम्युनल अवार्ड की घोषणा की उसके तहत दलितों को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला दलितों के कई अग्रगण अगर नेता जैसे राव साहब एम सी राजा ने इस विचार को छोड़ दिया था दलितों के केंद्रीय विधानसभा में राव साहब राजा ही केवल एकमात्र प्रतिनिधि थे इससे पहले उन्होंने पंजाब में दलितों के लिए अलग निर्वाचन की मांग की थी महात्मा गांधी उस समय यरवदा जेल में थे उन्होंने ब्रिटिश सरकार को चेतावनी दी थी कि वह पिछड़ी जाति के स्वतंत्र निर्वाचन की मांग को नहीं स्वीकार करेंगे उनकी बात नहीं मानी गई तो वह आमरण अनशन करेंगे

उन्हें देशद्रोही तक कहा इस सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा यह बहुत दुख की बात है कि गांधी जी इस पिछड़े शोषित वर्ग के अधिकार के पक्ष में नहीं है वह कोई और विकल्प सुझा सकते हैं पर मैं किसी भी ऐसे व्यक्ति को मानने को तैयार नहीं हूं जो शोषित वर्ग के हित में न हो सिर्फ इसलिए कि यह गांधी जी की जिंदगी का सवाल है डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी दोनों अपनी अपनी जिद पर आ थे उन्हें मनाने के लिए कई वार्ताओं का आयोजन किया कई वरिष्ठ नेताओं जैसे डॉक्टर अम्बेडकर मद पंडित मदन मोहन मालवीय चुन्नी लाल मेहता राजगोपालचारी जयकर सप्रू बिड़ला और महात्मा गांधी के पुत्र देवदास ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वे दोनों नेताओं को एक बात पर सहमत कराना चाहते थे डॉक्टर अंबेडकर व गांधी जी की कई बैठकें हुई आखिरकार दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि मतदान होगा और कुछ सीटें इसमें दलित वर्ग के लिए आरक्षित रहेंगी डॉक्टर अम्बेडकर तथा महात्मा गांधी के बीच हुए इस समझौते को पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है ब्रिटिश कैबिनेट ने इस घोषणा को पार्लियामेंट में रखा डॉक्टर अम्बेडकर ने 148 सीटें दलित वर्ग के लिए आरक्षित की पहले सिर्फ इकहत्तर सीटें उनके लिए आरक्षित थी पर दलितों ने अपने प्रतिनिधि को स्वयं चुनने और हिंदू प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार खो दिया पुनः पैक्ट की इस घोषणा के बाद बारे में सुभाष चंद्र बोस ने कहा डॉक्टर अंबेडकर ने गोलमेज सम्मेलन में स्वतंत्र मतदान की मांग की थी पर आरक्षित सीटें मिली अगर गांधी जी उनकी बात मान जाते तो बेहतर होता अंबेडकर की राय अधिक बेहतर थी अध्याय नौ डॉक्टर अंबेडकर में परिवर्तन पूना पैक्ट के बाद दलितों के आंदोलन ने और जोर पकड़ा छोटे पर कुछ महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण अधिकार दलित वर्ग को मिले जैसे मंदिरों में प्रवेश हिंदुओं के साथ सहभोज आदि डॉक्टर अंबेडकर ने स्वयं को राजनीतिक अधिकारों के लिए केंद्रित किया एक सभा में उन्होंने कहा मंदिरों में प्रवेश आपको उदार नहीं बनाएगा राजनीति में मिले अधिकार ही आपको बेहतर बना सकते हैं उन्होंने लोगों से कहा एकता बनाए रखें डॉक्टर अंबेडकर 7 नवंबर 1932 को तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए वह मुस्लिम नेताओं के रवैये से प्रसन्न नहीं थे लौटने पर वह यरवदा जेल में गांधी जी से मिले सन 1933 में रंगा अय्यर ने मंदिर में प्रवेश कार्यक्रम में रुकावट लाने का प्रयत्न किया उन्होंने मद्रास विधानसभा में में इसके विरोध प्रस्ताव पारित करवाया डॉक्टर अंबेडकर ने अपने बचाव में कहा दलितों की शक्ति इन छोटे छोटे विषयों पर व्यर्थ खर्च नहीं करनी चाहिए दलित अपनी उन्नति अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं वे उच्च शिक्षा उच्च नियुक्तियों उच्� और जीविका उपार्जन के सम्मानजनक तरीकों को अपना कर, कर सकते हैं यह अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उन्हें मंदिरों में प्रवेश करने देते हैं या नहीं अगर आपका विश्वास मानवता में है तो मंदिरों के द्वार लोकतांत्रिक अधिकारों को देखते हुए खोले जाने चाहिए उन्होंने अपने लोगों से कहा कि इस विषय पर चिंता न करें उनके अनुसार दावा करवाना होगा प्रार्थना करने से बेहतर है लोगों को काम करना चाहिए स्वयं को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए उन्होंने कहा कि लोग अपने भाग्य के निर्माता स्वयं बने डॉक्टर अंबेडकर के ये उदारवादी विचार कई हिंदुओं को पसंद नहीं आए डॉक्टर अंबेडकर एक बार फिर लंदन के लिए रवाना हुए जहां पर आयोजित सम्मेलन में उन्होंने कहा मैं हिंदुओं के हमारे प्रति किए जाने वाले अमानवीय व्यवहार से बहुत निराश था इसलिए मैंने स्वतंत्र मतदान की बात की थी यदि हिंदू समाज को सुधारने और उसे एक रूपता प्रदान करने का प्रयत्न करते हैं तो हम उनको सहयोग देंगे सन 1933 में डॉक्टर अम्बेडकर ने आर एडी का एक मुकदमा लड़ा करवे एक पत्रिका स्वास्थ्य समाज स्वास्थ्य के संपादक थे वह पत्रिका लोगों में सेक्स के प्रति चेतना उत्पन्न करती थी उस पत्रिका के दिसंबर 1933 के अंक के कुछ सामग्री को अश्लील माना गया और एक अफसर ने पत्रिका के संपादक करवे पर मुकदमा दायर कर दिया डॉक्टर अंबेडकर हमेशा प्रगतिशील विचारों के समर्थक रहे उन्होंने डॉक्टर करवे को जोरदार बचाव किया लगातार परिश्रम करते रहने से डॉक्टर अम्बेडकर थक गए थे उन्होंने काम से कुछ दिनों का अवकाश लिया और बोरडी महाबलेश्वर एवं पन्नालगढ़ की यात्रा की वहां उन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा का लाभ उठाया लौटने पर उन्होंने फिर अपनी वकालत शुरू की और कॉलेज में पढ़ना आरंभ किया उन्होंने अपना नया मकान मुंबई के दादर क्षेत्र में बनवाया जिसका नाम राजगृह रखा बौद्ध काल में राजगृह राजा बिंबिसार की राजधानी थी बाबा साहब की पत्नी का स्वास्थ्य उन दिनों ठीक नहीं चल रहा था उन्होंने अपनी पत्नी की सेवा करने का अवसर भी नहीं मिला रमाबाई का 27 मई 1935 को निधन हो गया पत्नी की मृत्यु उनके लिए गहरा सदमा थी उनकी पत्नी ने उनके पूरे परिवार को अकेले ही संभाल रखा था उन्होंने कभी भी बाबा साहब से कुछ भी मांगा नहीं था जब तक वह जीवित रहीं बाबा साहब अपने परिवार की चिंताओं से मुक्त थे उनके असामयिक निधन ने बाबा साहब को अकेला कर दिया वह इतने सदमे में थे कि कुछ समय सिर मुंडवाकर सन्यासी का चोला पहनकर रहे बहुत से लोगों ने सोचा कि बाबा साहब अब राजनीति से भी संन्यास ले लेंगे पर शीघ्र ही वह अपने रोजमर्रा का जीवन बिताने लगे 2 जून 1935 को उनकी नियुक्ति बंबई के लॉ कॉलेज के प्राचार्य के रूप में हुई उन्हें जिला न्यायाधीश का पद भी संभालने को कहा गया था लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया वे चाहते थे कि नौकरी से चिंता मुक्त होकर समाज की सेवा बेहतर ढंग से की जा सकती है उन्हें दिनों एक बार उन्हें महार सत्याग्रह के मुकदमे के सिलसिले में महार जाना पड़ा नदी में बाढ़ आ जाने के कारण उन्हें कुछ रुकना पड़ा उन्हें यह दिन मजबूरन बिना भोजन व पानी के बिताने पड़े क्योंकि वहां आसपास दलितों के घर नहीं थे हिंदू जाति के लोग एक दलित व्यक्ति को भोजन पानी देने को तैयार नहीं थे डॉक्टर अंबेडकर को इससे बहुत क्रोध आया कि इतनी शिक्षा पाने और संघर्ष करने के बाद भी लोग उन्हें अब भी अछूत मानते हैं कुछ दलित धर्म परिवर्तन करना चाह रहे थे उन्होंने उनसे जल्दबाजी में कोई निर्णय न लेने का आग्रह किया वे हिंदुओं के लगातार विरोध से हद उत्साही थे उन्हें लगा कि मंदिरों में प्रवेश का सत्याग्रह का सारा संघर्ष व्यर्थ हो गया है उनके अनुसार उच्च जाति के हिंदू उन्हें कभी भी समानता का हक नहीं देंगे डॉक्टर अंबेडकर ने 13 अक्टूबर को मेवाला हिंदू धर्म में कदापि मरूंगा नहीं उन्होंने कहा कि वह हिंदू संयोग से हैं अपने चुनाव से नहीं उन्होंने कहा वह ऐसा धर्म छोड़ना चाहते हैं जो उन्हें सम्मान से जीने का अधिकार नहीं देता पहली बार डॉक्टर अंबेडकर ने अपना धर्म परिवर्तन करना चाहा उन्होंने अपने दलित भाइयों से भी ऐसा ही करने को कहा। इस घोषणा के बाद कई करोड़ तक देने को भी कहा। यदि वह बाकी दलित उनका धर्म अपना ईसाई सिख और बौद्धों ने भी उनसे ऐसा ही आग्रह किया बहुत से कांग्रेसी नेताओं ने डॉक्टर अंबेडकर के धर्म परिवर्तन के इस निर्णय की कड़ी आलोचना की महात्मा गांधी ने कहा अस्पृश्यता अब अपने अंतिम दौर में है यदि कुछ जगहों पर थोड़ी बहुत रह भी गई है वह डॉक्टर अंबेडकर जैसे शिक्षित नौजवान के क्रोधित होने के लिए काफ़ी नहीं है फिर भी धर्म किसी पुराने मकान या पुराने वस्त्रों की तरह नहीं है जिसे उतार फेंको उन्होंने कहा हमने यह निर्णय नहीं लिया है कि हम कौन सा धर्म अपनाएंगे पर बहुत सोच विचार करने के बाद हम इस निर्णय पर अवश्य पहुंचे हैं कि हिंदू हमें उन्नति नहीं करने देंगे धार्मिक असमानता ही इस धर्म की मूल है मैं गांधी जी की इस बात से सहमत हूँ कि हर व्यक्ति को धर्म की आवश्यकता होती है पर मैं दादा पर दादा से चलते आ रहे उस धर्म को मानने ते रहने को तैयार नहीं हूँ जो व्यक्ति या समुदाय को प्रगति न करने दे दलितों के धर्म परिवर्तन का बहुत से हिंदुओं ने भी विरोध किया कई राजनीतिक व धार्मिक हिंदू नेताओं ने भी डॉक्टर अम्बेडकर से धर्म परिवर्तन का विचार छोड़ने के लिए आग्रह किया उन्होंने कहा कि वह हिंदू ही रहने को तैयार है पर इससे पहले हिंदू को जातिवाद को मिटाना होगा डॉक्टर अंबेडकर व्यक्तिगत धर्म परिवर्तन नहीं चाहते थे वह सामूहिक धर्म परिवर्तन कराना चाहते थे इसके लिए वह लोगों से मिलकर और अपने भाषणों से जागरूकता फैलाने लगे ऐसे ही एक सभा में उन्होंने कहा था कि प्रगति के लिए आवश्यक है कि आप महत्वाकांक्षी हो और पूरी तरह आशावादी हो जिस व्यक्ति में उम्मीदें इच्छाएं और लक्ष्य हैं वही सही मायने में जीवित है व्यक्ति के जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि वह आंतरिक मूल्यों को बचाए रखे पुरानी मान्यताओं और रिवाजों को खत्म करे हमेशा आशावादी रहे आपको परिश्रमी और ईमानदार होना चाहिए यदि व्यक्ति सही है तो समुदाय और राष्ट्र को ताकत मिलेगी और यही उनका भाग्य होगा पुणे में जनवरी 1936 में आयोजित एक सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा दलित धर्म परिवर्तन का अपना विचार नहीं बदलेंगे भले ही अगर आप मेरा अनुकरण करें तो हम उदारवादी हो जाएंगे धर्म परिवर्तन के विषय में व्यस्त होते हुए भी उन्होंने और भी कई महत्वपूर्ण विषयों के लिए कार्य किया जैसे उन्होंने बाकी तकनीकी विषयों की तरह ही कानून के अध्ययन को भी डिग्री कोर्स बनाने को कहा उन्होंने समाजशास्त्र मनोविज्ञान तर्कशास्त्र और वाद विवाद जैसे विषयों को कानूनी अध्ययन में जोड़ने को कहा क्योंकि एक वकील के लिए ये सभी कौशल अनिवार्य है डॉक्टर अंबेडकर ने 1937 में एक पुस्तक लिखी थी एनीशन ऑफ कॉस्ट यह एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसमें उन्होंने जातिवाद पर गंभीर विचार दिए थे महात्मा गांधी ने भी इस पुस्तक की प्रशंसा की थी अध्याय दस वर्ष 1935 में भारत सरकार के खिलाफ प्रस्तावित चुनाव सन 1935 में भारत में स्वतंत्रता सरकार बनाने का निर्णय लागू हुआ इस निर्णय के अनुसार राज्य में स्वतंत्र शासन का प्रावधान दिया गया था और राज्यों में स्वतंत्र सरकार बनाने को कहा गया अगस्त 1936 में डॉक्टर अंबेडकर ने नई पार्टी बनाई जिसमें स्वतंत्र लेबर पार्टी का नाम दिया गया इस पार्टी की घोषणा में नए उद्योगों की उन्नति और पुरानों को चलाते रहने पर बल दिया गया था ताकि भूमिहीन मजदूरों को शोषण से बचाया जा सके 17 फरवरी 1937 को चुनाव होने वाले थे डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी नई पार्टी के लिए बहुत परिश्रम किया उन्होंने इगतपुरी सिनार नासिक नागर जलगांव सतारा सोलापुर और पुणे में सभाओं को संबोधित किया उनकी मेहनत सफल हुई वह बहुमत से जीते और उनकी पार्टी ने सत्रह में से तेरह सीटों पर विजय हासिल की कांग्रेस भी चुनाव जीती पर वह सरकार बनाने को तैयार नहीं थी तब सरकार ने सर धनाजी शाह कपूर और जमुना दास मेहता से मंत्रिमंडल बनाने के लिए कहा कांग्रेस ने डॉक्टर अंबेडकर से अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने को कहा पर उन्होंने इनकार कर दिया कूपर सरकार ने 16 जुलाई उन्नीस को इस्तीफा दे दिया कांग्रेस सरकार बनी कांग्रेस प्रतिनिधियों और डॉक्टर अंबेडकर ने शपथ ग्रहण की उन्होंने 17 सितंबर उन्नीस को किसानों के लिए एक बिल पास करवाया वह वा पहले सदस्य थे जिसने यह कार्य किया था इस बीच डॉक्टर अंबेडकर दलितों की उन्नति के लिए संघर्ष करते रहे उन्होंने सोलापुर में आयोजित एक सभा में कहा प्रगति तब तक नहीं होगी जब तक जातिवाद का खात्मा नहीं होगा आर्थिक शोषण तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक गरीब अमीरों से हक नहीं मांगेंगे हमारे आत्मविश्वास का यह आंदोलन ही हमारे हितों की रक्षा करेगा डॉक्टर अंबेडकर ने असेंबली में आए उस प्रस्ताव का समर्थन किया यह प्रस्ताव जमुना मेहता का था इस प्रस्ताव में न्याय व्यवस्था के दौरान सरकार के दखल अंदाजी का विरोध किया गया था इस प्रस्ताव के समर्थन में उन्होंने कहा भारत में दंड न्यायालय में अपराधी की अपील पर सुनवाई नहीं होती है जब तक उसने न्यायिक सिद्धांतों का उल्लंघन न किया हो यह लोगों के दिमाग में न्याय प्रणाली के प्रति तटस्थता और संदेह पैदा करता है एक अपराधी को क्षमा करना कानून को कमजोर बनाता है क्या गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री से इस विषय में राय ले ली है मई 1938 में डॉक्टर अंबेडकर ने लॉ कॉलेज के प्रधानाचार्य के पद से इस्तीफा दे दिया कोंकण की यात्रा के दौरान उन्होंने दलितों से पुनः आग्रह किया मृत पशुओं का चमड़ा आदि न निकाले और न ही उनका मांस खाए बाबा साहब जानते थे कि उनके द्वारा जागरूकता फैलाने के बावजूद कुछ अब भी ऐसा घृणित कार्य करते हैं अध्याय युद्ध के वर्ष सन उनचालीस में द्वितीय विश्व युद्ध जर्मनी द्वारा पोलैंड पर हमले के कारण आरंभ हो चुका था भारत भी इस युद्ध में शामिल था कांग्रेस के अनुसार एडोल्फ हिटलर और मुसोलिनी जैसे तानाशाह विश्व के लिए खतरनाक साबित हो गए थे इसलिए हर लोकतांत्रिक देश का यह पहला कर्तव्य था कि वह ऐसे तानाशाहों के विरुद्ध लड़े डॉक्टर अंबेडकर भी चाहते थे कि ब्रिटिश सरकार जर्मनी के विरुद्ध लड़े परंतु वे कांग्रेस के रवैये से बहुत खुश नहीं थे उनके अनुसार कांग्रेस इस तरह पेश आ रही थी कि जैसे वही भारत की एकमात्र प्रतिनिधि थी डॉक्टर अंबेडकर यह भी चाहते थे कि ब्रिटिश सरकार युद्ध के बाद की अपनी नीति स्पष्ट करे अक्टूबर उन्नीस में भारत के वायसराय लॉर्ड लिन लिथगो ने कांग्रेस व डॉक्टर अंबेडकर के साथ युद्ध के बाद की अपनी नीति की चर्चा की उन्होंने चर्चा के बाद यह घोषणा की कि युद्ध की समाप्ति के बाद भारत में कई सुधार लाए जाएंगे और प्रत्येक वर्ग की राय इसमें ली जाएगी कांग्रेस को वायसराय की इन बातों से संतुष्टि नहीं मिली उसने अस्थायी कांग्रेस मंत्रियों से इस्तीफा देने के लिए कहा डॉक्टर अंबेडकर ने कांग्रेस के इस निर्णय का विरोध किया उन्होंने कहा देशभक्ति केवल कांग्रेस की बपौती नहीं है बाकी पार्टियों की भी अपनी स्वतंत्र राय है। वह मुस्लिम लीग के रवैये से भी खुश नहीं थे यही वह समय था जब मुस्लिम लीग अलग मुस्लिम देश बनाने की सोच को बढ़ावा दे रही थी डॉक्टर अंबेडकर ने इसी विषय को लेकर एक पुस्तक लिखी जिसका शीर्षक ऑन पाकिस्तान था इस पुस्तक का प्रकाशन सन 1940 में हुआ था डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार यह सभी के हित में होगा यदि मुसलमानों को अपना अलग देश बना लेने दे मुसलमान ज्यादा धार्मिक थे और समाज सुधार के विरुद्ध थे इस्लाम विश्व का एक प्रमुख धर्म है जो इसके सिद्धांत स्थाई है डॉक्टर अंबेडकर का विश्वास था कि मेहनती हिंदू सिपाही कहीं आवश्यक है भारत की सुरक्षा के लिए न कि सुरक्षित सीमाएं उन्होंने तुर्किस्तान ग्रीस तथा अन्य कई देशों के उदाहरण दिए उनके मत अनुसार यदि भारत एक शक्तिशाली केंद्रीय सरकार चाहती है तो अलग मुस्लिम देश होना बहुत आवश्यक था महात्मा गांधी और जिन्ना दोनों ने इस पुस्तक को भारत पाकिस्तान मुद्दे को समझने का एक अच्छा माध्यम माना इसी पुस्तक का दूसरा संस्करण वस 1945 में छपा इस बार उसके शीर्षक में परिवर्तन था पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया इस पुस्तक में विभाजन के मुद्दे को धार्मिक नजरिए से लिया गया था जिसे सरकार कांग्रेस और मुस्लिम लीग गंभीरता से नहीं ले रहे थे डॉक्टर अंबेडकर हमेशा से महारो को फौज में नियुक्ति के पक्ष में थे 1941 के करीब उन्होंने गवर्नर से आग्रह किया कि महारो की महार रेजिमेंट नाम की एक नई टुकड़ी बनाई इसी बीच ब्रिटिश सरकार ने सर क्रिप्स को भारत की राजनीतिक समस्या सुलझाने के लिए नियुक्त किया क्रिप्स प्रतिनिधिमंडल भारत में उन्नीस में आया और उसने राजनीतिक मुद्दों की कांग्रेस मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा के साथ चर्चा की डॉक्टर अंबेडकर और एम सी राजा भी इस प्रतिनिधिमंडल से मिले क्रिप्स प्रतिनिधिमंडल ने तय किया कि युद्ध के बाद भारत का संविधान बनाने के लिए एक कमेटी का गठन होगा कांग्रेस मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने इस निर्णय को अस्वीकार कर दिया 14 अप्रैल 1942 को डॉक्टर अंबेडकर 50 वर्ष के हो गए थे उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं और अनुयायियों ने उनका जन्मदिन बहुत उत्साह से मनाया उन्हें एक थैली भी भेंट की गई पर डॉक्टर अंबेडकर इस धूमधाम और दिखावे के खिलाफ थे उन्होंने इस मौके पर कहा अगर किसी व्यक्ति की पूजा भगवान की तरफ पूरी लगन व विश्वास के साथ की जाती है तो वह जाति अवनित्य की तरफ जाने लगती है कोई भी ईश्वरीय गुणों के साथ पैदा नहीं होता यह आपके ऊपर निर्भर है कि आप उन्नति या अवन्नति किस तरफ जाना चाहते हैं यह इस पर निर्भर करता है कि आप अपना जीवन कैसे बिताते हैं वर्ष 1942 में एक ऐतिहासिक वर्ष था महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ किया था सभी लोगों ने ब्रिटिश सरकार का विरोध किया ब्रिटिश सरकार इतने बड़े पैमाने पर होने वाले विरोध से हिल गई थी यह वर्ष दलितों के लिए खासकर डॉक्टर अम्बेडकर के लिए भी ऐतिहासिक वर्ष था पहली बार एक दलित डॉक्टर अम्बेडकर को मंत्री बनाया गया लॉर्ड लिनलिथगो ने उन्हें वायसराय के सलाहकार का पद दिया लॉर्ड लिन लिथगो भारत छोड़ो आंदोलन से इतने नाराज थे कि उन्होंने सभी नेताओं को गिरफ्तार कर अंडमान जेल भेजने का आदेश जारी किया डॉक्टर अंबेडकर ने वायसराय के आदेश पर कड़ा विरोध किया उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा सभी नेताओं की गिरफ्तारी और उन्हें अंडमान जेल भेजने के आदेश से ब्रिटिश सरकार का सम्मान और उसकी गरिमा को धक्का लगेगा सरकार को ऐसे और लोकतांत्रिक तरीके नहीं अपनाने चाहिए महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया और पूना के आगा खाम महल में रखा गया गांधी जी ने 10 फरवरी उन्नीस से अनशन आरंभ करना कुछ नेताओं ने वायसराय की समिति से इस्तीफा दे दिया यह उन्होंने गांधी जी के समर्थन में किया परंतु डॉक्टर अंबेडकर इस पद पर बने रहे विश्व युद्ध वर्ष 1945 में समाप्त हुआ मित्र राष्ट्रीय युद्ध जीत गए जर्मनी इटली और जापान को अपमानजनक पराजय का मुंह देखना पड़ा ब्रिटेन में हुए चुनाव और लेबर पार्टी शासन में आई लेबर पार्टी भारत को आजादी देने के पक्ष में थी प्रधानमंत्री एटली ने स्टेनफोर्ड क्रिप्स का प्रतिनिधि भेजा एवी एलेक्जेंडर और लॉर्ड पथिक भी उसके सदस्य थे यह प्रतिनिधि मंडल एक ऐसी सक्रिय कार्य प्रणाली चाहता था जिसके तहत भारत को स्वतंत्रता दी जा सके प्रधानमंत्री एटली हिंदू मुस्लिम समस्या का भी संतोषजनक हल चाहते थे यह तय किया गया कि भारत को दो देशों में विभाजित किया जाएगा भारत और पाकिस्तान पाकिस्तान जहां मुस्लिम अधिक संख्या में रहेंगे महात्मा गांधी ने इस विभाजन का विरोध किया और डॉक्टर अम्बेडकर ने इसका समर्थन किया क्योंकि वह सोचते थे कि इस तरह हिंदुओं व मुसलमानों की दुश्मनी समाप्त हो जाएगी अंतरिम सरकार बनाने के लिए चुनाव घोषित हुए कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने अपने अपने प्रतिनिधि इस चुनाव के लिए खड़े किए डॉक्टर अंबेडकर ने भी अपने प्रतिनिधि अपनी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया से खड़े किए उन्हें उनके प्रतिनिधि बहुत कम थे क्योंकि यह चुनाव कांग्रेस और लीग के बीच ताकत का मुकाबला था

कम कर सके 4 जून 1946 को दलित फेडरेशन की एक सभा का आयोजन किया गया एन शिवराज ने इसका नेतृत्व किया इसमें हरिजनों के लिए अलग क्षेत्र का अधिकार मांगा गया था वरना उन्हें विधानसभा में काउंसिलिंग में प्रतिनिधित्व नहीं मिलता अंतरिम सरकार ने सभा का यह प्रस्ताव रद्द कर दिया अंतरिम सरकार ने हिंदुओं और मुसलमानों का समान प्रतिनिधित्व स्वीकार किया पर दलितों को विशेष प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था डॉक्टर अंबेडकर ने इसका विरोध किया कांग्रेस उनके इस विरोध से खुश नहीं थी कांग्रेस के कुछ गुमराह समर्थकों ने अम्बेडकर के प्रिंट, प्रिंटिंग प्रेस में आग लगा दी 29 अप्रैल 1948 को सरदार पटेल ने अस्पृश्यता की समाप्ति के लिए एक बिल पेश किया जो पास भी हुआ भारत में अस्पृश्यता को गैर कानूनी करार दिया गया यह अम्ब, डॉक्टर अंबेडकर के लिए एक बड़ी जीत थी उन्होंने अपना पूरा जीवन इसके लिए लगा दिया पर प्रेस ने उनके योगदान पर ध्यान नहीं दिया अध्याय 12 स्वतंत्रता और नया संविधान 15 अगस्त उन्नीस को भारत को आजादी मिली पर भारत का विभाजन दो देशों में हो गया भारत और पाकिस्तान के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली पंडित जवाहरलाल नेहरू हमेशा डॉक्टर अंबेडकर का सम्मान उनके ज्ञान व साहस के लिए करते थे उनको विश्वास था कि डॉक्टर अंबेडकर को देश के कानून का गहरा और ठोस ज्ञान था उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को कैबिनेट में कानून मंत्री का पद दिया यह डॉक्टर अंबेडकर के लिए आश्चर्य की बात थी उन्होंने प्रसन्नता से यह पद स्वीकार कर लिया 29 अगस्त 1947 को एक कमेटी का गठन किया गया जो नए भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करेगी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर अंबेडकर को इस कमेटी की अध्यक्षता करने के लिए नेहरू जी ने कहा उनका इस कार्य में अन्य सदस्यों ने भी सहयोग दिया उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक यह चुनौती स्वीकार की जब डॉक्टर अम्बेडकर ने प्रारूप पर काम करना प्रारंभ किया तो उन्हें लगा कि कमेटी के कुछ सदस्य उनको कमेटी के सदस्य बनाए जाने से उत्साहित नहीं थे उन्होंने उन्हें अनदेखा किया और इस महत्वपूर्ण कार्य को पूरी जिम्मेदारी से करना आरंभ किया छह महीने के भीतर उन्होंने असेंबली अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समक्ष इस संविधान के प्रारूप को प्रस्तुत किया इस संविधान में तीन अनुच्छेद और आठ परिशिष्ट थे जब डॉक्टर अंबेडकर इस संविधान पर काम कर रहे थे तो उनका स्वास्थ्य तेजी से गिरता जा रहा था उन्हें लगातार चिकित्सा की आवश्यकता पड़ रही थी इस दौरान वह बम्बई के माँ वलंकर अस्पताल की डॉक्टर शारदा कबीर के संपर्क में आए और उनसे निकटता महसूस की तथा विवाह करने का निश्चय किया 15 अप्रैल 1948 को उन्होंने दूसरी बार विवाह किया अब उनके घर में ही उन्हें एक डॉक्टर मिल गई जो उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखने लगी थी हर व्यक्ति डॉक्टर अंबेडकर के इस सर्वश्रेष्ठ कार्य से प्रभावित था जो उन्होंने संविधान का प्रारूप बनाकर दिखाया था टी टी कृष्णमाचारी ने असेंबली में दिए गए अपने भाषण में उनकी निष्ठा की प्रशंसा करते हुए कहा जिन सात सदस्यों को संविधान बनाने के लिए चुना गया था उनमें से एक ने इस्तीफा दे दिया एक का निधन हो गया एक अमेरिका चला गया एक अपने अन्य कार्य में अधिक व्यस्त रहा एक दो दिल्ली से दूर रहते थे कुछ को खराब सेहत की वजह से छोड़ना पड़ा सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें इस कार्य को संभालना पड़ा अपने ऐतिहासिक भाषण में संविधान प्रस्तुत करते समय उन्होंने कहा जो संविधान में प्रस्तुत कर रहा हूं वह अच्छा या बुरा हो सकता है यह इस बात पर निर्भर करता है कि इसका उपयोग ऑफिस के लोग किस तरह करते हैं भारत ने अपनी आजादी हमें एकता नहीं होने की वजह से खो दी थी जो शासन में था उसने विश्वासघात किया डॉक्टर अंबेडकर ने लंबे समय से यह स्वप्न देखा था कि हिंदू धर्म में सुधार लाए जाए

बौद्ध धर्म में परिवर्तन बिल के रूप में अपने इस स्वप्न के टूट जाने के बाद डॉक्टर अंबेडकर भी पूरी तरह बिखर गए उन्हें लगा कि दलितों को तब तक उनके अधिकार कभी नहीं मिलेंगे जब तक वे हिंदू धर्म अपनाए रहेंगे उन्होंने अपना मन बना लिया कि वह बौद्ध धर्म अपनाएंगे वह बौद्ध धर्म में रुचि रखते थे क्योंकि वह सोचते थे कि इस्लाम और ईसाई धर्म भारतीय संस्कृति को भिन्न मानते थे वह सोचते थे कि बौद्ध धर्म कहीं ज्यादा आधुनिक व उदार धर्म है एक बार उन्होंने राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू वुमेन नामक लेख में लिखा था जो आजादी हिंदू औरतों ने बौद्ध काल में पाई वह अनइहिलेटेड थी उन्होंने आगे लिखा बुद्ध ने स्त्रियों को परिवाराजक या भिक्षुणी माना था अतः उन्होंने उन्हें ज्ञान प्राप्ति की आज़ादी दी थी उन्हें स्व उन्नति का भी हक मिला था बुद्ध ने पूरे समुदाय में क्रांति ला दी थी स्त्रियों को उन्होंने आजादी तथा आत्मसम्मान दिया था मनु औरतों को बौद्ध धर्म नहीं अपनाने देना चाहते थे उन्हें वह कई तरह से जकड़े रखना चाहते थे और उन्हें गुलाम बनाए रखना चाहते थे डॉक्टर अंबेडकर अब अकेलापन महसूस करने लगे थे उन्हें नेहरू जी पर विश्वास था पर नेहरू जी ने भी उन्हें धोखा दिया उन्हें यह नैतिक नहीं लग रहा था कि वह सरकार में बने रहे उन्होंने अपना त्यागपत्र सत्ताईस सितम्बर उन्नीस सौ को प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को भेज दिया वह सदन में अपने त्याग पत्र के बारे में बात करना चाहते थे पर स्पीकर ने उन्हें इसका अवसर नहीं दिया वह अपना विरोध जताते हुए सदन से उठकर चले गए उन्होंने अपना बयान वहां खड़े अखबारों के रिपोर्टरों को पकड़ा दिया उन्होंने अपने बयान में कहा था जब समाज अतीत को पीछे छोड़ रहा हो और भविष्य की तरफ बढ़ रहा हो तब तो उसके लिए सच्ची कसौटी है विवेक जहाँ समाज जातिवाद तथा असमानता से घिरा हो वहां हिंदू धर्म को छुए बिना लगातार आर्थिक कानून बनाकर समाज को बदलने की बात करना संविधान का मजाक उड़ाना है और रेत का महल बनाने जैसा है यह उनके राजनीति के जीवन का अंत नहीं था पहले आम चुनाव वर्ष उन्नीस में हुए थे डॉक्टर अंबेडकर ने सोशलिस्ट पार्टी से चुनाव लड़ा पर उनकी पराजय हुई पर वह वह हिम्मत नहीं हारे मार्च राज्यसभा के सदस्य चुने गए मई में डॉक्टर अंबेडकर ने बुद्ध परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर लगभग पचास हजार लोगों को संबोधित किया उन्होंने लोगों से कहा कि अब से वे अपना जीवन बौद्ध धर्म को समर्पित करेंगे डॉक्टर अंबेडकर राज्यसभा के सदस्य के रूप में अपना कर्तव्य निर्वाह कर रहे थे तभी दो सितंबर उन्नीस को आंध्र प्रदेश बनाने का एक बिल लाया गया डॉक्टर ने सरकार की नीति की आलोचना की उन्होंने कहा पोटी माँ रामलू ने अपना बलिदान सिद्धांतों के लिए दिया था अगर यह किसी और देश में हुआ होता तो लोग सरकार गिरा देते बाबा साहब का स्वास्थ्य उन दिनों ठीक नहीं था पर फिर भी वह आचार्य सद्दे की नई फिल्म महात्मा के उद्घाटन समारोह में भाग लेने गए यह समारोह चार जनवरी उन्नीस को सम्पन्न हुआ था फिल्म महात्मा ज्योति राव फुले के जीवन पर आधारित थी जिन्हें डॉक्टर अम्बेडकर अपना तीसरा गुरु मानते थे उनके पहले श्रेष्ठ गुरु भगवान बुद्ध और दूसरे गुरु कबीर दास जी थे मई उन्नीस में बांद्रा सीट के लिए चुनाव हुआ जो रिक्त थी डॉक्टर अम्बेडकर इस सीट के लिए चुनाव लड़े पर छह मतों से पराजित हुए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बर्मा की राजधानी रंगून से सात किलोमीटर दूर कवाय नामक स्थान पर दिसंबर उन्नीस में आयोजित तृतीय विश्व बौद्ध भ्रातृत्व सम्मेलन में हिस्सा लिया 24 मई 1956 को महात्मा बुद्ध के जन्मदिवस के अवसर पर उन्होंने कहा कि अक्टूबर में वह बौद्ध धर्म में दीक्षा ले लेंगे बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को विजयदशमी के दिन को बौद्ध धर्म में दीक्षा लेने के लिए चुना 11 अक्टूबर को बाबा साहब अपनी पत्नी तथा अपने सचिव के साथ नागपुर रवाना हो गए वहां पहुंचकर उन्होंने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा मैंने गांधी जी से वादा किया था कि मैं वह राह चुनूंगा जो हिंदुत्व को कम से कम नुकसान पहुंचाएगी बौद्ध धर्म हिंदू धर्म का ही एक पंथ है बौद्ध धर्माधिकारी महाथेर चंद्रमणि ने उन्हें और उनकी पत्नी को बौद्ध धर्म में दीक्षा दी यह 14 अक्टूबर उन्नीस की सुबह थी जब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने लगभग पांच लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म में दीक्षा ली इस घटना के बाद बहुत से दलित बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गए आज भी दलितों में यह धर्म परिवर्तन जारी है अध्याय चौदह अंत दीक्षा लेने के बाद डॉक्टर साहब अंबेडकर दिल्ली गए उन्होंने कई बौद्ध धर्मों का स्थलों का भ्रमण किया हालांकि उनका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता जा रहा था उन्होंने चौथे बौद्ध सम्मेलन सम्मेलन में भी भाग दिया। यह सम्मेलन 15 नवंबर 1956 को कठमांडू के सिन्हा दरबार हॉल में आयोजित किया गया था वह 30 नवंबर 1956 को कुशी नारा भी गए बाबा साहब बूढ़े हो गए थे उन्हें चिंता थी कि वह अपना मकसद पूरा किए बिना ही मर जाएंगे बाबा साहब मृत्यु से डरते नहीं थे एक बार उन्होंने अपने सचिव श्री नानक चंद्र रत्तू से कहा भी था मैं मृत्यु से डरता नहीं हूँ जब भी वह आए उसका सामना करने को तैयार हूँ चार दिसंबर उन्नीस को डॉक्टर अम्बेडकर ने थोड़ी देर राज्यसभा में भाग लिया फिर उन्होंने कुछ पत्र लिखवाए पांच दिसंबर उन्नीस को उन्होंने सारा दिन अपने दफ्तर में काम किया शाम को उन्होंने अपने सचिव रत्तु से कहा कि वह उनकी पुस्तक बुद्ध और उनका धर्म के टाइप किए हुए पृष्ठ ले आए वह रात में इस पर कार्य करना चाहते थे बाबा साहब 6 दिसंबर उन्नीस सौ की सुबह नहीं देख पाए जब उनकी पत्नी सुबह साढ़े सात बजे उनके अध्ययन कक्ष में पहुंची तो उन्होंने देखा कि डॉक्टर अंबेडकर यह दुनिया छोड़कर जा चुके थे उन्होंने तुरंत उनके सचिव को बुलाया और उनके सहकर्मियों व कैबिनेट मंत्रियों को उनके निधन की सूचना दी प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और अन्य मंत्री बाबा साहब के निवास स्थान पर उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंच गए शीघ्र ही एक विशेष हवाई जहाज द्वारा उनके शव को बम्बई ले जाया गया सारा बम्बई नगर इस दुखद समाचार को पाकर हतप्रभ रह गया हजारों की संख्या में लोग अपने नेता को अंतिम श्रद्धांजलि देने उनके निवास स्थान 26 अलीपुर रोड पहुंचे 7 दिसंबर को उनकी स्मृति में बम्बई बंद रहा उनकी अंतिम यात्रा 7 दिसंबर की दोपहर को आरंभ हुई पूरे महाराष्ट्र से लाखों लोग अपने प्रिय नेता की अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए आए उनका अंतिम संस्कार दादर अंतर मैदान में किया गया उनके उनके चिता को मुखाग्नि इकलौते पुत्र यशवंत राव ने दी। ने दी हजारों लोगों इस दिन बौद्ध धर्म अपनाने की घोषणा की बौद्ध धर्मांतरण डॉक्टर अंबेडकर के निधन से एक युग की समाप्ति हो गई वे एक निपुण राजनीतिज्ञ थे पर उनकी राजनीति की योग्यता पर विधवता के मुहर लगी हुई थी राजनीति में कदम कदम पर बेईमानी थी पर उन्होंने कभी सत्य का दामन नहीं छोड़ा वे गर्व से कहा करते थे कि मैंने कभी गंदी राजनीति नहीं की वे अहिंसा को मानते थे पर हिंसा हो तो शेर की उनका मानना था कि नींद में सुन पड़े रहने को अहिंसा नहीं कहा जा सकता उन्होंने दृष्टिहीन अस्पृश्य समाज को स्वाभिमान से जीना सिखाया और उसे स्वावलंबी बनाया ऐसे समाज में जहां व्यक्ति लाचारी से जीता था जहां उसे आम इंसानियत के सामान्य हक भी नहीं थे ऐसे दलित समाज के हित के लिए उन्होंने आंदोलन चलाए और अपना पूरा जीवन उनके कष्ट निवारण के लिए होम कर दिया सम्मान के उच्च शिखर पर पहुंचने के बाद भी उन्होंने गृहस्थ जीवन को कभी नकारा नहीं वे जब दिल्ली में रहते थे तो अपने बंगले के लॉन में आश्रम से बैठकर सामान्य ढंग से भोजन करते थे उनके इस भोजन में उनका साथ उनकी माली भी देता था वे एक आम इंसान थे यह उनके व्यक्तित्व के हर पहलू से झलकता था बंबई में रहते समय वह कंबल बिछाकर अथवा बिना कुछ बिछाए ही एक बेंच पर भी सो जाते थे डॉक्टर अंबेडकर का व्यक्तित्व एक तूफान की तरह था जिसने हिंदू समाज को सुधारने के लिए कई भूकंपी झटके दिए थे पंडित नेहरू ने उनके बारे में लिखा था डॉक्टर अंबेडकर हिंदू समाज की दमनकारी प्रवृत्तियों के विरुद्ध किए गए विद्रोह का प्रतीक थे अन्याय अत्याचार और अंधश्रद्धा को देखकर वह क्रोध से भरक उठते थे किसी किसी अवसर पर चंडी रूप धारण करने वाले डॉक्टर अंबेडकर झट सब कुछ भूलकर जी भरकर हंसने लगते थे वे कहा करते थे कि इंसान को दिल खोलकर खूब हंसना चाहिए उन्होंने समता स्वतंत्रता और भ्रातृत्व को जीवन मूल्य मानकर समाज को बदलने का प्रयत्न किया और इन्हीं सिद्धांतों को मानने वाले बौद्ध धर्म को ग्रहण किया संक्षेप में हम कह सकते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का व्यक्तित्व मानवीय संवेदनाओं और गुणों से भरा एक आदर्श व्यक्तित्व था उनके निधन से एक महान व्यक्तित्व को हमने खो दिया अध्याय अंबेडकर ने बौद्ध धर्म ही क्यों अपनाया? लोगों में बहुत उत्सुकता है यह जानने की कि अंबेडकर ने हिंदू धर्म क्यों छोड़ा अंबेडकर, जिनका जन्म एक अछूत परिवार में हुआ था उन्होंने अपना सारा जीवन अस्पृश्यता निवारण की लड़ाई में लगा दिया अपने जीवन के आखिरी दिनों में उन्होंने हिंदू धर्म को त्याग दिया और बौद्ध धर्म अपनाया उनके इस निर्णय के पीछे क्या कारण थे इस निर्णय के बारे में हमें उनकी पुस्तक बुद्ध और उनका धर्म पढ़कर बहुत कुछ पता चलता है एन हिलेशन ऑफ कास्ट फिलोसफी ऑफ हिंदुइज्म रीडिल्ज इन हिंदुइज्म वगैरह भी पढ़कर तथा उनके लेख भाषण एवं साक्षात्कार जो उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाने से पहले तथा बाद में दिए इस विषय पर प्रकाश डालते हैं यह उला सम्मेलन इस दृष्टि से ऐतिहासिक सम्मेलन था अंबेडकर का विश्वास था कि अछूतों को कमजोर तथा हिंदू समाज का एक हिस्सा है जब उनके अनेक प्रयत्न विफल हो गए अछूतों को समानता का हक दिलवाने और उन्हें आम अधिकार एक इंसान के रूप में दिलवाने के तब उन्होंने सोचा कि अब किसी और धर्म को अपनाना आवश्यक हो गया है ऐसा धर्म जो अछूतों को समानता का महत्व और समानता का हक दे उनसे उचित व्यवहार करे उन्होंने अपने समर्थकों से आग्रह किया उसी धर्म को चुनिए जो आपको समान महत्व समान अवसर दे और समानता का व्यवहार करे विभिन्न धर्मों के बारे में सोचकर अंबेडकर इस नतीजे पर पहुंचे कि बौद्ध धर्म ही उनके दृष्टिकोण पर सही उतरता है वर्ष 1950 में महाबोधि सोसाइटी के जर्नल में छपे अपने लेख बुद्ध और उनके धर्म का भविष्य में उन्होंने अपने विचार धर्म और बौद्ध धर्म पर संक्षिप्त रूप में इस प्रकार लिखे समाज जोड़े रखने के लिए या तो कानून का अनुमोदन होना चाहिए या नैतिकता का इसके बिना समाज यकीनन टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाएगा धर्म को बचाए रखने के लिए उसमें तर्क का सामंजस्य लाना होगा दूसरे शब्दों में इसे ही विज्ञान कहते हैं किसी भी धर्म के लिए केवल यही आवश्यक नहीं है कि उसकी एक आचार संहिता को पर उसकी आचार संहिता मूलभूत सिद्धांत स्वतंत्रता समानता और भाईचारे पर आधारित हो यह भी आवश्यक है किसी भी धर्म को गरीबी का हथियार बनाकर अपनी पवित्रता नहीं बनाए रखनी चाहिए डॉक्टर अंबेडकर को यह विश्वास था कि बौद्ध धर्म ही इन आवश्यकताओं को पूरा करता है अतः सभी धर्मों में यही धर्म विश्व के लिए सही है उन्हें लगा कि बौद्ध धर्म को प्रचारित करने के लिए एक धर्म ग्रंथ की आवश्यकता है अतः इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए डॉक्टर अम्बेडकर ने बुद्ध और उनका धर्म नामक पुस्तक लिखी इस लेख में डॉक्टर अम्बेडकर ने हिंदू धर्म की बुराइयों को गिनकर बताया है नैतिक स्वतंत्रता से वंचित है इसमें महत्व अनुरूपता के आदेश का है कानून अनुचित है क्योंकि ये एक के लिए अलग और दूसरे के लिए अलग है इसके अलावा संहिता ही अंतिम मानी जाती है डॉक्टर अंबेडकर का विश्वास था जिसे हिंदुओं द्वारा धर्म कहा जाता है वह सिर्फ आदेशों और निषेधों का ढेर है इस वर्ष में दिल्ली में बुद्ध जयंती के अवसर पर डॉक्टर अंबेडकर ने अपने भाषण में हिंदू देवी देवताओं की आलोचना की और बौद्ध धर्म की प्रशंसा क्योंकि उनका मानना था कि यह धर्म नैतिक सिद्धांतों पर आधारित है उन्होंने यह भी कहा कि धर्मों के प्रवर्तकों की तरह स्वयं को ईश्वर का दूत मानने की जगह बुद्ध स्वयं को सिर्फ परामर्शदाता कहते हैं और उन्होंने धर्म को एक क्रांतिकारी अर्थ दिया है डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार हिंदू धर्म असमानता को दर्शाता है तो बौद्ध धर्म समानता को मई उन्नीस सौ छप्पन में डॉक्टर अंबेडकर ने व्याख्यान दिया जिसका शीर्षक था मुझे धर्म मुझे बौद्ध धर्म क्यों पसंद है और यह मौजूदा हालात में विश्व के लिए क्यों लाभकारी है यह व्याख्यान उन्होंने लंदन में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कारपोरेशन में दिया था उन्होंने कहा था मैं बौद्ध धर्म को इन तीन सिद्धांतों की वजह से प्राथमिकता देता हूं बौद्ध धर्म हमें प्रजन अंधविश्वास और अलौकिकता के विरुद्ध समझ करुणा प्रेम और समता समानता सिखाता है यही सब व्यक्ति अच्छे और खुशहाल जीवन के लिए चाहते हैं ईश्वर और आत्मा समाज को बचा नहीं सकते 24 मई 1956 के भाषण में उन्होंने बौद्ध धर्मांतरण के बारे में उसे अपनाने के विषय में कहा था हिंदू धर्म ईश्वर में विश्वास करता है बौद्ध धर्म में ईश्वर नहीं है हिंदू आत्मा में विश्वास करते हैं पर बौद्ध धर्म के अनुसार आत्मा नहीं होती है हिंदू चतुर्वर्ण में जातिवद जातिवाद में विश्वास करते हैं बौद्ध धर्म में जातिवाद और चतुर्वर्ण का कोई स्थान नहीं है डॉक्टर अंबेडकर बौद्ध धर्म को हिंदू धर्म से अधिक विवेकपूर्ण मानते थे उनका मुख्य विरोध हिंदू धर्म से यह था कि वह असमानता और अस्पृश्यता को सही मानता है उसके चारों वर्ण इसका प्रमाण है दूसरी तरफ बौद्ध धर्म मूलतः चतुर वर्ण का विरोध करता है और समानता का समर्थन करता है उनके अनुसार प्रजन और समता व करुणा अकेले ही बौद्ध धर्म के मुख्य शिक्षा देते हैं कि अच्छे और खुशहाल जीवन के लिए इतना ही आवश्यक है अंततः डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपना लिया उनकी पुस्तक बुद्ध और उनका धर्म में उनकी समझ और अपने तर्क बौद्ध धर्म के बारे में है इस पुस्तक में उन्होंने बौद्ध धर्मान्तरण के कारण भी दिए गए हैं यहाँ उन्होंने बौद्ध धर्म के लिए बुद्धि संगत तर्क दिए हैं उनको ईश्वर तथा आत्मा में विश्वास नहीं था यह निष्कर्ष हम उन कारणों से निकाल सकते हैं जो उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाने के लिए दिए इस पुस्तक में उन्होंने निष्कर्ष दिया है कि बौद्ध धर्म में ईश्वर और आत्मा का कोई स्थान नहीं है डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार बुद्ध पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते थे और न ही कर्म व मोक्ष में जैसा कि परंपरागत रूप से माना जाता है बुद्ध ने वर्ण व्यवस्था को अस्वीकार किया था जिन विद्वानों ने बौद्ध धर्म का अध्ययन किया है उनका भी मानना है कि बुद्ध ईश्वर और आत्मा को नहीं मानते थे और उन्होंने वर्ण व्यवस्था को अस्वीकार किया था बुद्ध पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते थे और निर्वाण के पक्षधर थे डॉक्टर अंबेडकर की व्याख्या बौद्ध धर्म के बारे में यहाँ रूढ़िगत दृष्टिकोण से भिन्न हो जाती है यह कहना संभव नहीं है कि वह अपनी इस व्याख्या या निष्कर्ष तक कैसे पहुंचे जब वर्ष उन्नीस में डॉक्टर अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया तो लाखों लोगों ने भी इस धर्म को अपने साथ अपनाया था उन्होंने उन देवताओं की पूजा बंद कर दी जिनकी पूजा वे सदियों से करते आ रहे थे उन्होंने भी बौद्ध धर्म को अपनाया जैसे डॉक्टर अंबेडकर ने किया था कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को धर्मांतरण जैसे विश्वासघात के लिए क्षमा नहीं किया धर्म परिवर्तन से पहले के हिंदू अछूतों ने माना कि डॉक्टर अंबेडकर ने उनको उनका आत्मसम्मान दिलाया जिसका आत्मसम्मान की उन्हें हिंदू धर्म से उम्मीद नहीं थी अध्याय 16 भारत में दलित राजनीति डॉक्टर अंबेडकर के बाद हाल ही में हुई बहुजन समाज पार्टी की उत्पत्ति से पहले स्वतंत्र भारत में अस्पृश्य लोगों के लिए कार्यरत पार्टी थी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आरपीआई यही वह अंतिम राजनीतिक साधन था जिसे डॉक्टर अम्बेडकर ने रूप दिया था रिपब्लिकन पार्टी ही शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन का परिवर्तित रूप है यह पार्टी चुनाव के दौरान सफलता प्राप्त नहीं कर पाई थी इसे उन बौद्धों के लिए अनुपयुक्त संगठन माना गया था जिन्होंने हिंदुत्व का जामा उतार फेंका था स्वतंत्र लेबर पार्टी का गठन अंबेडकर ने वर्ग के आधार पर किया था न कि जाति के आधार पर जब से इस पार्टी का गठन किया गया था यह अनेक समस्याओं में घिरी हुई थी पहला वह वैचारिक मतभेद था उन लोगों के बीच जिनकी जड़ें गांवों में जुड़ी हुई थी जिनमें महारों की बहुलता थी और दूसरा था वह युवा वर्ग जो अधिक शिक्षित और महत्वाकांक्षी था जो शहरों में रहने वाला था इसी वैचारिक मतभेद के कारण आर का विभाजन दो वर्गों में हो गया डॉक्टर अंबेडकर के निधन के बाद महारों के सामाजिक व आर्थिक विकास के लिए कार्य करने वाला और इतना निष्ठावान व्यक्ति अब कोई नहीं रहा वर्ष उन्नीस तक आरपीआई के दोनों दलों का विभाजन इतना गहरा हो गया था कि दोनों मुख्य दलों ने अपने अलग अलग सम्मेलन किए अंत में युवाओं के शिक्षित और उन्नतिशील दल जो शहरों में था उसको पार्टी के संचालन का भार मिला RPI का यह विभाजन वर्ष उन्नीस के चुनाव तक चला यह दल महाराष्ट्र के लोकसभा में एक भी सीट पाने में असफल रहा उसी वर्ष इसने राज्य विधानसभा में बेहतर प्रदर्शन किया इसके बाद महाराष्ट्र विधानसभा में मुठ्ठी भर सीटें ही हासिल कर पाया उत्तर प्रदेश में आर ने अपनी जड़ें मजबूत की क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर अम्बेडकर का प्रभाव बहुत गहरा था आगरा अलीगढ़ शहरों में खासकर पंजाब हरियाणा आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में इस पार्टी को अप्रत्याशित लोकप्रियता मिली यह पार्टी महाराष्ट्र से अधिक उत्तर प्रदेश में सफल रही उत्तर प्रदेश में इसकी सफलता का श्रेय बौद्ध राजनीतिज्ञ बी पी मौर्य को जाता है जो स्वयं चमार जाटा वंश के थे उन्होंने अछूतों और मुसलमानों को संगठित किया था मुसलमानों और अस्पृश्यों के बीच संवेदना का यह गठबंधन अधिक समय तक टिका नहीं रहा वर्ष उन्नीस में कांग्रेस के बीच हुए विभाजन ने इस चुनावी प्रक्रिया को उत्तर प्रदेश में पूरी तरह बदल दिया वर्ष उन्नीस में बीपी मौर्या और पार्टी में ही उनके सबसे प्रखर विरोधी रामजी राम दोनों ही लोकसभा में वापस लौटे श्रीमती इंदिरा गांधी की कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधि बनकर इस तरह उत्तर प्रदेश में आरपीआई के महत्व का अंत हुआ महाराष्ट्र में डॉक्टर अंबेडकर के निधन के बाद एक पार्टी का अंत हुआ तो दूसरी का उदय वर्ष 1970 में एक संगठन विकास में आया जो स्वयं को दलित पैंथर कहता था इसका गठन दलित वर्ग के लिए हुआ और इसका नाम दलित पैंथर नाम के अमेरिका के ब्लैक पैंथर से लिया गया था इस समय भारत में दलितों के एक सशक्त नेता का अकाल सा था दलित पैंथर भी दलितों के संपर्क में पूरी तरह नहीं आ पाया था क्योंकि अधिकतर महार अब भी अशिक्षित थे और गाँव के थे कुछ ही वर्षो में यह पार्टी भी रिपब्लिकन पार्टी की तरह अपने वैचारिक और व्यक्तिगत मतभेदों की शिकार हुई यह वैचारिक मतभेद उन्नीस में विशेषकर तब नजर आया जब नामदेव घासल और राजा ढाले दो नेताओं के रूप में नजर आए ढाले दल के लिए वह ऐतिहासिक क्षण था जब डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर सामूहिक बौद्ध धर्मांतरण हुआ भविष्य में बौद्ध धर्म की चेतना फैलाने से इन्हें मुख्य रूप में लाभ प्राप्त होता नामदेव घासल दूसरी तरफ अधिक कट्टरवादी वामपंथी थे मार्क्सवादी थे, अतः डॉक्टर और उनके धर्म को अधिक नहीं दिया गया। उनके लिए अस्पृश्यता का, का, का इस दृष्टिकोण को देखते हुए घासल ने सीपीआई को दलितों का नेता माना पर कुछ ही वर्षों में इंदिरा गांधी के गरीबी हटाओ कार्यक्रम को देखते हुए आपातकाल के दौरान घासल को विश्वास हो गया यह एक ऐसा नेता है जो सच में गरीबों का हितैषी है उनके दल ने वर्ष 1977 के चुनाव में कांग्रेस को समर्थन दिया दलित पैंथर अब तक अपने लिए कोई मुख्य रोल तय नहीं कर पाए थे वे राजनीति में सक्रिय थे पर बिना किसी राजनीतिक पार्टी के उनके पास खुद के लिए भी कोई सशक्त कार्यक्रम नहीं था वह महारू के संपर्क में भी नहीं आ पाए और न ही अछूत जाति से सीधे संपर्क आए पैंथर पार्टी की समाप्ति पर जो खाली पर रह गया था वह किसी दूसरी पार्टी या दूसरे संगठन द्वारा नहीं भरा गया बल्कि आश्चर्यजनक रूप से एक साहित्यिक आंदोलन द्वारा भरा गया एक संपूर्ण नया साहित्य प्रकाश में आया जो वर्ण भेद का विरोधी था लेखकों ने अछूतों के जीवन के भीतर पूरी तरह पहली बार झांका कुछ लेखक तो बहुत ही प्रतिभाशाली थे दलित साहित्य और उसके लिखने वाले लेखक प्रसिद्ध हुए और उनके द्वारा लिखा गया साहित्यिक सच में ही महत्वपूर्ण योगदान माना गया दलित साहित्य लेखन सिर्फ महाराष्ट्र में ही सीमित नहीं रहा बल्कि कर्नाटक में भी बड़े पैमाने पर हुआ इस आंदोलन की उत्पत्ति उन्नीस में कांग्रेस कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के एक मंत्री के दिए गए भाषण में देखी जा सकती है वासलिंगपा जो अछूत जाति के थे राज्य की भाषा को भापा माना उनके मस्तिष्क में यह विचार थे कि आम आदमी और उसके जीवन पर लिखे गए साहित्य का कन्नड़ भाषा में अकाल है आम आदमी में भी अछूत है जिन्हें आदि कर्नाटक कहा जाता है उनका यह भाषण भूसे में गिरी एक चिंगारी की तरह था जो तुरंत आग पकड़ लेती है उनके इस भाषण का और खंडन दोनों ही हुए कट्टर कन्नड़ साहित्यकारों के के अनुसार मंत्री ने इस तरह के विचार अपने भाषण में कन्नड़ साहित्य को बदनाम किया था आश्चर्यजनक रूप से उभरते दलित लेखकों और काफी दलित साहित्य लिखने वालों के लिए इस भाषण ने लिखने के नए दरवाजे खोल दिए उन्नीस में दलित लेखकों का एक सम्मेलन हुआ जिसमें हजारों लेखकों ने भाग लिया धीरे धीरे यह दलित साहित्य आंदोलन कई दिशाओं में जोर पकड़ने लगा उदाहरण के लिए युवा दलित लेखकों के एक समूह ने एक लोकप्रिय साप्ताहिक पत्रिका निखालनी आरंभ की जिसमें लोकप्रिय संस्कृति फिल्मी लेख और राजनीतिक व सामाजिक दलित संवादों को महत्व दिया गया इसका पाठक वर्ग अधिकतर आदि कर्नाटक का था वह वर्ष 1988 में इस पत्रिका का प्रसार पैंसठ हजार प्रतिया था डॉक्टर अंबेडकर के दिशा निर्देश के बिना यह दलित साहित्य आंदोलन किसी ठोस राजनीतिक मंच का गठन नहीं कर पाया कर्नाटक के दलितों ने दलित पार्टी के गठन के बारे में नहीं सोचा वहां दलित संघर्ष समिति का गठन हुआ जो राज्य के विभिन्न दलित संगठनों के लिए कार्य करती थी दलित कार्यकर्ता आदि कर्नाटक समाज के बच्चों और बड़ों में चेतना जगाने का कार्य करने लगे काफी दलित कार्यकर्ताओं ने बौद्ध धर्म को अपनाया और बौद्ध धर्म के साहित्य का ज्ञान अर्जन करने लगे यह सच है कि कर्नाटक आंदोलन ने डॉक्टर अंबेडकर के महाराष्ट्र आंदोलन से प्रेरणा प्राप्त की पर कुछ कार्यकर्ताओं ने नौकरी में तथा संसद में सीटों के आरक्षण का विरोध किया उन्हें यह आरक्षण एक द्रैप की द्रैप की तरह लगा जो उन्हें प्रगतिवादी विचारधारा से अलग करता था और दलित समाज के हित के लिए बड़े पैमाने पर कार्य करने में रुकावट पैदा कर रहा था और विधानसभा में आरक्षित सीटों पर आए प्रतिनिधियों को तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता था कर्नाटक में सैद्धांतिक व वैचारिक मतभेद के आधार पर विभाजन नहीं हुआ पर महाराष्ट्र में डॉक्टर अंबेडकर आंदोलन को लेकर तनाव आने लगा जिसने इस आंदोलन को विनाशकारी ढंग से प्रभावित किया कर्नाटक का दलित आंदोलन शहरों तक ही सीमित रहा कर्नाटक के के दलित वर्ग को इस आंदोलन में शामिल नहीं किया गया जहां दलितों की मुख्य आवश्यकता साक्षरता सांस्कृतिक और धार्मिक विकास की थी कर्नाटक और महाराष्ट्र के गाँव में इस आंदोलन को गतिशीलता नहीं मिली बिहार में इसी आंदोलन के कारण क्रांति की लहर आई जिसने मार्क्सवादी विचारधारा को जन्म दिया इससे इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए कि मार्क्सवादी विचारधारा ही सही विचारधारा है जो दलितों के विकास के लिए या यह कि डॉक्टर अंबेडकर के सिद्धांत ग्रामीण भारत के विकास में कम सहायक है हम देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में माननीय काशी ने ग्रामीण तथा शहरी दलितों के हित व विकास के लिए डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों को ध्यान में रखकर ही कार्य किया है बिहार में इस आंदोलन को गतिशीलता कुछ प्राथमिक विषयों को लेकर ही मिली है जैसे सामाजिक सम्मान भूमि अधिकरण वेतन वृद्धि यही वे विषय है जिनका सीधा असर अस्प की उन्नति पर पड़ता है यही वे विषय है जो डॉक्टर अंबेडकर की स्वतंत्र लेबर पार्टी के मूल में थे और सिद्धांत कुछ हद तक बाद में निर्मित रिपब्लिकन पार्टी और दलित पैंथर के भी थे परंतु इन सभी दलों ने वास्तविक रूप में इन कार्यक्रमों पर कार्य पूरी क्षमता से नहीं किया स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यह संगठन गांव के महारों से दिनों दिन करते गए इसी तरह महारो के अलावा बाकी सभी समुदायों से भी कुछ हद तक इन समस्याओं में बौद्ध धर्म का भी हस्तक्षेप रहा व्यक्तिगत सशक्तिकरण के गुणों से युक्त होने के बावजूद बौद्ध धर्म ने महारों की तत्कालिक समस्याओं या अन्य ग्रामीण अछूतों की समस्याओं के लिए आवाज नहीं उठाई अभी तक महाराष्ट्र के दलित नेतृत्व में बौद्ध धर्म के आधार पर ही गांव में अशिक्षित अछूतों की उन्नति की संभावना योजनाएं बनी है परंतु खेदजनक बात यह है कि महार बौद्धों तथा अन्य गरीब हिंदुओं के बीच खाई बढ़ती जा रही है परंतु इन सभी सीमाओं के बावजूद बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा चलाया गया आंदोलन पश्चिमी भारत में गतिशीलता लाने तथा चेतना जगाने का सशक्त माध्यम बना बाबा साहब के विचार तथा जीवन दर्शन देश के अन्य लोगों भागों में भी विकास व उन्नति के रूप में सामने आया महाराष्ट्र में ही बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संग्रहित लेखों की पुस्तक रिडेल्ज़ इन हिंदुज्म के पुनः प्रकाशन को लेकर प्रदर्शन तथा विरोध प्रदर्शन किए गए इसके प्रकाशन या पुनः प्रकाशन को लेकर महाराष्ट्र सरकार एवं दलित विद्वान एकमत नहीं हो पाए बाबा साहब के जीवन काल में भी इनको एक उत्तेजक लेखों का रूप माना गया था जो उनके न रहने के बाद भी स्थिति वही है इस पुस्तक को अब भी विवादास्पद माना जा रहा है आज केवल महाराष्ट्र तथा कर्नाटक में ही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों को गंभीरता से लिया जा रहा है देश के बाकी स्थानों में भी बाबा साहब केवल पोस्टरों तथा बूथों के रूप में ही मिल रहे हैं आज बाबा साहब अपने शिष्यों तथा के, के बीच केवल एक प्रतिबिंब के रूप में ही नहीं रह गए हैं जिससे लोग यह बताना चाहते हैं कि वे अपनी जाति तथा समाज के लिए संघर्षरत है दलितों की छवि सुधारने के बजाय आज इक्कीसवीं शताब्दी में लोग अपनी छवि सुधारने में व्यस्त है आज इन सब में सबसे अधिक धक्का गांधी जी की छवि को पहुंचा है कभी हरिजनों के हितैषी माने जाने वाले गांधी जी को आज दलित वर्ग स्वयं ही नकार रहा है या उनके विचारों की अवहेलना कर रहा है आज डॉक्टर अंबेडकर के विचार ही है जो हजारों रास्ते दिखा रहे हैं विकास तथा दलित प्रगति के वैसे ही जैसे डॉक्टर अंबेडकर अपने जीवन काल में हजारों लोगों का पथ प्रदर्शन करते थे भीमराव अंबेडकर के प्रेरक विचार व्यक्ति समूह से बनता है यह एक बहुत ही मजबूत व स्थूल तथा सामान्य व्यक्तव्य है समाज कभी भी व्यक्ति से नहीं बनता वह वर्ग से बनता है प्रत्येक समाज के वर्ग अस्तित्व में होते हैं वर्ग रचना के मूल में निहित कारण अलग अलग होते हैं कभी आर्थिक कभी बौद्धिक कभी राजनीतिक कारणों से वर्ग बनते हैं व्यक्ति किसी न किसी वर्ग की इकाई बनकर ही जीना चाहता है यह एक वैश्विक सत्य है हिंदू समाज भी इसके लिए अपवाद नहीं है इस नियम अनुसार वर्ग जाति में रूपांतरित होते गए वास्तव में जाति व वर्ग आमने सामने रहने वाले पड़ोसी की तरह होते हैं बहुत मामूली भेदों के कारण उनका अस्तित्व भिन्न भिन्न लगता है वस्तुतः जाति स्वयं एक मर्यादित वर्ग है यह संभव है कि मैं गलती पर हूं परंतु मैंने यही हमेशा मुनासिब समझा है कि दूसरों के पथ निर्देशन और आदेशों को मानने तथा मौन बैठे रहने और स्थितियों को बिगड़ने देने की अपेक्षा त्रुटिया करना कहीं श्रेयस्कर है मुझसे ज्यादा योग्य विद्वानों ने जाति के रहस्यों को खोलने का प्रयास किया है किंतु यह दुख की बात है कि यह अभी तक व्याख्या रित नहीं हुआ है और हम लोगों को इसके बारे में अल्प जानकारी है मैं जाति जैसी संस्थाओं की जटिलता के प्रति सजग हूँ और इतना निराशावादी नहीं हूँ कि यह पहेली अगम अज्ञी है क्योंकि मेरा विश्वास है कि इसे जाना जा सकता है जाति की समस्या में असैद्धांतिक और, और व्यवहारिक रूप में एक विकराल समस्या है भारतीय समाज रक्त की शुद्धता की बात चाहे जितनी ही क्यों ना करे पर यह शुद्ध रक्त वाला समाज नहीं है इस भारतीय समाज में आर्यो द्रविड़ो मंगोलो शक्को हूणो जाने कितने का समिश्रण है अनेक जातिया देश विदेश से घूम घूम कर यहाँ पहुंची बसी और इस देश की सांस्कृतिक धारा में मिलकर एक हो गई ये जातिया अपने पूर्ववर्तियों को धकेलकर इस देश की मंत्र बन गई इनके परस्पर सतत संपर्कों और संबंधों के कारण एक समन्वित संस्कृति का सूत्रपात हुआ भारतीय समाज के विषय में यह बात कहना असंगत है कि वह विभिन्न जातियों का संकलन है संकलन से सजातीयता उत्पन्न नहीं होती यदि रक्त भेद की दृष्टि से देखा जाए तो भारतीय समाज विजातीय है हाँ यह संकलन सांस्कृतिक रूप से अत्यंत सघन है इसी आधार पर मेरा कहना है कि इस प्रायद्वीप को छोड़कर संसार का कोई देश ऐसा नहीं है जिसमें इतनी सांस्कृतिक समरसता हो हम केवल भौतिक दृष्टि से ही संगठित नहीं है बल्कि हमारी सांस्कृतिक एकता भी अविच्छिन्न एवं अटूट है जो पूरे देश में चारों दिशाओं में व्याप्त है इसी सांस्कृतिक एक रूपता के कारण जाति प्रथा इतनी विकराल बन गई है कि उसकी व्याख्या करना कठिन कार्य है कठिन कार्य इसलिए है कि यहां सजातीय समाज में भी जाति प्रथा की घुसपैठ है भारतीय जाति समस्या को यूरोपियन निर्विज्ञान और समाजशास्त्र के सिद्धांतों से हम कभी नहीं समझ सकते हैं भारत में जाति प्रथा का अर्थ है समाज को कृत्रिम हिस्सों में विभाजित करना जो रीति रिवाज और शादी विवाह की विभिन्नताओं से बंधे हों परिणाम स्पष्ट है कि सजातीय विवाह एकमात्र लक्ष्य है जो जाति प्रथा की विशेषता है और यदि हम यह जानने में सफल हो जाएं कि सजातीय विवाह ही क्यों होते हैं तो हम व्यवहारिक रूप से साबित कर सकते हैं कि जातियों की उत्पत्ति कैसी हुई और उनका ताना बाना क्या है वह कौन सा पहला वर्ग था जो जाति में रूपांतरित हुआ दूसरे शब्द में जाति व्यवस्था का जनक किसे दिया जाए अरब में ब्राह्मण वर्ग जाति में बदल गया इसी ब्राह्मण वर्ग ने इस देश में जाति प्रथा को बढ़ाया मनु जाति व्यवस्था के जन्मदाता नहीं है मनु के सैकड़ों वर्ष पूर्व जाति प्रथा अस्तित्व में थी मनु इस व्यवस्था को एक दार्शनिक धरातल पर लेकर ले जाकर शास्त्रीय रूप देते हैं जाति से संबंधित नियमों का मनु ने केवल संकलन किया है विषम समाज रचना भावुकता अथवा आदेशों से पर्याप्त होने वाली नहीं है इसके लिए परिवर्तित मानसिकता और ठोस कार्यक्रमों की आवश्यकता है आज तक 1935 तक के आंदोलन केवल पारिवारिक प्रश्नों को सुलझाने के लिए ही किए गए संपूर्ण समाज के पुनर्रचना रचना की बात कहीं नहीं की गई विधवा विवाह वृद्ध विवाह बाल विवाह आदि सुधारों का संबंध है, व्यक्ति और परिवार के साथ है समाज रचना के साथ नहीं उनका वर्णनीय रुचि

जाति संस्था केवल श्रम विभाजन नहीं है वह श्रमिकों का भी विभाजन है केवल श्रमिकों का विभाजन करके ही वह रुकती नहीं अपितु श्रमिकों को एक एक समूह को वह नीचे से ऊपर की ओर एक दूसरे पर रखती जाती है और सबसे भयंकर बात यह है कि वह क्रमबद्धता जन्म के आधार पर हमेशा के लिए चिपका दी जाती है विश्व के किसी भी देश में श्रम विभाजन को श्रमिकों के सामाजिक स्तर के साथ चिपकाया नहीं गया है भारतीय समाज सीढ़ी दर सीढ़ी का ऐसा सिलसिला है जिसमें हर ऊपर की सीढ़ी का आदमी हर नीचे के सीढ़ी के आदमी को घृणा की दृष्टि से देखता है और नीचे की सीढ़ी का आदमी अपने ऊपर के सीढ़ी के आदमी को आदर की दृष्टि से ऐसे समाज में समता बंधुत्व और प्रजातंत्र को पनपने की रत्ती भर भी गुंजाइश नहीं है प्रजातंत्र में असमानता कैसी भेदभाव कैसा राग द्वेष कैसा जाति व्यवस्था से जो दोष हिंदू समाज में आए क्या इन दोषो से हम मुक्त हो सकते हैं जाति व्यवस्था नष्ट कैसे की जा सकती है जाति व्यवस्था नष्ट करने के लिए सर्वप्रथम उप नष्ट करनी चाहिए ऐसी मजबूत और शक्तिशाली बनेंगी जाति व्यवस्था तोड़ने के लिए एकमात्र उपाय है अंतर जातीय विवाह रक्त संबंधों के कारण ही आत्मीयता की भावना तैयार होती है इसी कारण अंतर जातीय विवाह आधिकारिक होते जाएं तो जाति के बंधन कमजोर हो जाएंगे एक दूसरे के प्रति अधिक आत्मीयता तैयार होती जाएगी जाति व्यवस्था मनुष्य निर्मित है वह नष्ट की जा सकती है जाति एक एक काल्पनिक व्यवस्था है, एक है। मानसिक किसी मानसिकता को बदना, बदलना आसान काम नहीं है हिंदू जाति का पालन करते हैं इसका एकमात्र कारण है कि हिंदू मूलतः धार्मिक है जाति को धार्मिकता से जुड़ा गया है मूल धर्म ने ही एक गलत अमानवीय व्यवस्था का समर्थन किया है शास्त्रों की हंसी उड़ाकर यह व्यवस्था खत्म होने वाली नहीं है इसके विरोध में प्रखर बुद्धिवाद और समतावादी समाज रचना के प्रति प्रतिबद्धता ही दितांत आवश्यकता है जाति और वर्ण अधिष्ठित लोगों के आचरण के मूल में हजारों वर्षों से चली आई श्रद्धाएं हैं अंतरजातीय विवाह का नारा लगाकर काम नहीं होगा केवल नई व्यवस्था से बात नहीं बनने वाली है जब-जब आदर्श और काल्पनिक वर्ण व्यवस्था का प्रचार किया जाता है तब, तब जातियों से चिपक जीने का एक बहुत बड़ा आधार जन सामान्य को मिल जाता है वर्ण व्यवस्था की जड़ों पर ही आघात करने की आवश्यकता है जब तक जड़े तोड़ी नहीं जाएंगी तब तक अस्पृश्यता की मानसिकता समाप्त नहीं हो सकती अस्पृश्यता और, और जाति भेद नष्ट करने के लिए शास्त्रों से आधार ढूंढने का प्रयत्न वास्तव में कीचड़ से कीचड़ साफ करने का हास्यपद प्रयत्न है मेरे लिए चतुर वर्ण है जिसमें पुराने नाम जारी रखे गए हैं घिनौनी वस्तु है जिससे मेरा व्यक्तित्व विद्रोह करता है लेकिन मैं यह नहीं चाहता कि मैं केवल भावनाओं के आधार पर चातु के प्रति आपत्ति करूं। इसका विरोध करने के लिए मेरे पास ठोस कारण है। इस आदर्श की अच्छी तरह जांच परख के बाद मुझे पूरी तरह विश्वास हो गया है कि चातुर्वर्ण्य सामाजिक संगठन प्रणाली के रूप में अव्यवहारिक घातक और अत्यंत असफल रहा है व्यवहारिक दृष्टि से भी चातुर्वर्ण्य से ऐसी अनेक कठिनाइयां उत्पन्न होती है जिन पर इसके समर्थकों ने ध्यान नहीं दिया जाति का आधारभूत सिद्धांत सिद्धांत वर्ण के आधारभूत से 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 भिन्न भिन्न है है न केवल मूल मूल रूप रूप बल्कि परस्पर विरोधी भी है यदि कोई व्यक्ति गुण के आधार पर नहीं जन्म के आधार पर ऊंची हैसियत प्राप्त कर गया हो तो आप क्या करेंगे उसे कैसे झेलेंगे इसका उत्तर यही है कि आपको जाति प्रथा का उन्मूलन करना पड़ेगा प्लेटो ने भी लोगों को प्रकृति के आधार पर तीन भागों में बांटा था पर हुआ क्या वे असफल रहे चतुर्वर्ण सिद्धांत मानव प्रकृति के प्रतिकूल है वह चल नहीं सकता चाहे उसे पालन कराने के लिए दंड विधान की नीति को ही क्यों न अपनाया जाए आदर्श मानव समाज वह है जो समता स्वतंत्रता और भ्रातृत्व की भावना पर खड़ा हो और जिसकी नींव त्याग बलिदान समर्पण सत्य अहिंसा और प्यार पर रखी गई हो यदि किसी समाज में ऐसा नहीं है तो वह समाज कैसे हो सकता है समाज तो मानव कृत है और और उसने उसे सबकी सुविधा विकास के लिए बनाया है तुम्हारे मुखमंडल की दयनीयता दशा देखकर और तुम्हारी आवाज सुनकर मेरा हृदय विदृढ़ हो उठा है कितने समय से तुम अत्याचारों की चक्की में पिसते आ रहे हो और फिर भी तुम्हें साहसहीनता व अंधविश्वास त्यागने का विचार पैदा नहीं होता है तुम लोग जन्म लेते ही क्यों नहीं मर जाते तुम अपने दयनीय घृणित और उपेक्षित जीवन से धरती का बोझ क्यों बढ़ाते हो यदि तुम नवजीवन नहीं अपना सकते और अपनी स्थिति नहीं बदल सकते तो इस जीने से मरना कहीं बेहतर है यकीनन भोजन वस्त्र और आवास प्राप्त करना तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है यदि तुम स्व सम्मान जीना चाहते हो तो तुम्हें स्व सहायता पर विश्वास करना चाहिए क्योंकि वही सर्वोपरि सहायता है हिंदू समाज एक वर्णी समाज बनेगा तो ही उसमें अपनी रक्षा करने की शक्ति का निर्माण होगा इस आंतरिक शक्ति के अभाव में स्वराज्य स्वतंत्रता की सीढ़ी न बनकर गुलामी की एक सीढ़ी सिद्ध होगा यह 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 मान भी भी लिया जाए कि कि व्यवहारिक है है फिर भी मैं कहूंगा एक बहुत ही दोषपूर्ण व्यवस्था क्योंकि ब्राह्मण द्वारा विद्या का संवर्धन किया जाना चाहिए वैश्य को व्यापार करना चाहिए और शूद्र को सेवा करनी चाहिए यद्यपि यह एक श्रम विभाजन ही था लेकिन क्या इस सिद्धांत का उद्देश्य यह था कि शूद्र को धन संपत्ति आदि अर्जित ही नहीं करनी चाहिए यह बहुत ही दिलचस्प प्रश्न है चतुर्वर्ण के समर्थक इसका पहला अर्थ यह निकालते हैं कि शुद्ध को धन संपत्ति आदि अर्जित करने का कष्ट क्यों उठाना चाहिए जबकि तीनों वर्ण उसकी सहायता के लिए मौजूद है यदि शुद्र को लिखने पढ़ने की जरूरत होगी तो वह ब्राह्मण के पास जा सकता है शुद्र को अस्त्र शस्त्र धारण करने की चिंता क्यों करनी चाहिए जबकि क्षत्रिय मौजूद है इस अर्थ में समझे गए चतुर्वर्ण सिद्धांत के अनुसार कहा जा सकता है कि शुद्र एक आश्रित व्यक्ति है और तीनों वर्ण उसके संरक्षक शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति को मिलनी चाहिए रक्षा के साधन सभी लोगों के पास होने चाहिए प्रत्येक व्यक्ति के आत्म परीक्षण के लिए ये परम आवश्यकताएं हैं किसी अशिक्षित और व्यक्ति को उस व्यक्ति से क्या सहायता मिल सकती है कि उसका पड़ोसी शिक्षित और सशस्त्र है इसमें कोई संदेह नहीं है कि व्यवहार में चतुर वर्णन का संबंध वस्तुतः मालिक और नौकर का था ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों के आपसी संबंध भी संतोषजनक नहीं थे फिर भी वे मिलकर कार्य करने में सफल हुए ब्राह्मण ने क्षत्रियों की खुशामद की और दोनों ने वैश्य को जीवित रहने दिया ताकि लेकिन वर्गों पर निर्भर ही न रहे उसे विद्या प्राप्त करने से रोका गया कि कहीं ऐसा न हो कि वह अपने हितों के प्रति सजग हो जाए उसके लिए शस्त्र धारण करना निषिद्ध था कहीं ऐसा न हो कि वह उनकी सत्ता के विरुद्ध विद्रोह करने का साधन प्राप्त कर ले हमारे चिंतन का मूल आधार मनुष्य होना चाहिए मनुष्य को उसके मानवीय अधिकार उपलब्ध करा देना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है शास्त्रों ने मानवीय अधिकार ही छीन लिए इसलिए जब तक अछूत हिंदू समाज में बना रहेगा तब तक उसका जीवन स्तर नहीं सुधरेगा और वह निरंतर शोषित अपमानित तथा अकिंचन बना रहेगा उसका भाग्य कभी नहीं बदलेगा कोई भी उसे आर्थिक प्रलोभन देकर अपने धर्म में परिवर्तित कर लेगा इसका परिणाम यह होगा कि हिंदू समाज में कभी भी क्रांति नहीं हो सकेगी निरंतर रूढ़ियों के अंधेरे में सरता जाएगा हिंदू समाज में रहना है तो उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन किए बिना जीवन स्तर नहीं सुधारा जा सकेगा अछूतों की आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है उसके पास सामाजिक सौहार्द सहजीवन की पकड़ और प्रतिष्ठा कुछ भी नहीं है फिर भी वह हिंदू समाज की इकाई कैसे बचा हुआ है सामाजिक सम्मान प्राप्त के बिना कोई वर्ग किसी समाज के सम्मान से नहीं रह सकता यह सब सामाजिक क्रांति लाए बिना संभव नहीं है गांधी जी के हर्जन शब्द पर मुझे आपत्ति है जिसके मुख्य बिंदु इस प्रकार है क्या अछूत हरिजन हो जाने से अछूत नहीं रहेगा क्या वह मैला नहीं उठाएगा या झाड़ू नहीं लगाएगा क्या इससे अन्य वर्ण वाले उसे गले लगा पाएंगे क्या उसे हिंदू समाज अछूत न समझकर स्वर्ण जैसा मान लेगा क्या इससे उसे सामाजिक समता का अधिकार मिल सकेगा यदि नहीं तो फिर हरिजन की चक्री हुई रचना क्यों जिस मार्ग से अछूतों का आत्म सम्मान नहीं लौट सके उस मार्ग से क्या लाभ हरिजन तो हर एक है कोई मनुष्य अपमानित होकर धन्यवाद नहीं दे सकता कोई नारी अपने शील भंग हो जाने पर धन्यवाद नहीं दे सकती और कोई राष्ट्र अपनी स्वाधीनता खोकर धन्यवाद नहीं कर सकता फिर अछूत हरजन के वज्र से अपमानित होकर कैसे गांधी जी का इससे उन्हें कपड़े बनाने खाने पीने नौकरी करने शिक्षा प्राप्त करने सुसंस्कृत समाज में रहने आदि की स्वतंत्रता मिल जाएगी तुम्हारे पास गवाने के लिए कुछ भी नहीं है तुम सिर्फ अपनी बेड़ियों को ही गवाने वाले हो धर्मांतरण से तुम्हें अनेक लाभ होने वाले हैं सामाजिक दृष्टि से धर्मांतरण की समस्या का ओर देखा जाए तो यह संघर्ष ऊपरी तौर से भले ही सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने की दिखाई पड़े तो भी वह प्राय वर्गीय संघर्ष ही है हकदार और बेरोजगार में जो निरंतर संघर्ष चल रहा है वरिष्ठों का जुल्म उसका एक हिस्सा ही है संघर्ष फलदायक करने के लिए और इस अस्पृश्यों में तीन आवश्यक शक्तियों की कमी है वे शक्तियां है मनुष्य शक्ति द्रव्य शक्ति और बौद्धिक शक्ति ये तीनों शक्तियां जब तक तुम हिंदू समाज में रहोगे तब तक तुम प्राप्त नहीं कर सकोगे कुछ लोग कहते हैं धर्मांतरण करने से तुम्हें क्या लाभ होने वाला है उसका उत्तर है कि से भारत को क्या लाभ होगा हिंदुस्तान को जितनी स्वराज की आवश्यकता है उतनी अस्पृश्यों को धर्मांतरण की धर्मांतरण और स्वराज का अंतिम प्रयोजन है स्वतंत्रता प्राप्ति समान नागरिक कानून होना चाहिए हिंदू मुसलमान और ईसाई धर्म पर आधारित कानूनों में जहां मतभेद के मुद्दे हैं उन्हें विचार पूर्वक हल करना चाहिए सब में कुछ समानता के मुद्दे भी हैं केवल मतभेदों के मुद्दे से बात नहीं बन सकती समान नागरिक कानून हमारा अंतिम उद्देश्य है सामाजिक समता की लड़ाई में दलितों को ही महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है कमजोर वर्ग को संगठित तो होकर अपने अधिकार खुद ही प्राप्त करने चाहिए मैं अस्पृश्य समाज को राजनीतिक अधिकार दिलाने के लिए प्रयत्नशील हूँ देश की स्वतंत्रता के लिए काम करने वाले बहुत से युवक हैं दलित युवकों का उद्धार उन्हें स्वयं करना है दलितों के उद्धार से ही सचमुच का स्वराज्य संभव है समाज के सबसे शोषित और उपेक्षित व्यक्ति तक की शिक्षा सुविधाएं पहुंचनी चाहिए परंपरा से नकारे गए वर्ग को उच्च शिक्षा हेतु अधिक खर्च न करना पड़े ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए स्नातक और छात्रों के पाठ्यक्रम द्वारा सांस्कृतिक प्रगति करने के लिए महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों को एकत्र होना जरूरी है शिक्षा दो धारित शस्त्र के समान है चरित्रहीन और विनयहीन शिक्षित व्यक्ति पशु से भी अधिक भयंकर होता है सुशिक्षित मनुष्य का ज्ञान और उसकी शिक्षा जनहित के विरोध में जा रही हो तो ऐसा व्यक्ति समाज के लिए अभिशाप साबित होता है अछूत और स्वर्ण में वंशभेद नहीं है पूर्व में यह विभाजित और विजेता कथा वंशभेद की भांति व्यवसाय भेद भी उसका आधार नहीं है चांडाल और अस्पृश्य पर्यायवाची शब्द नहीं है यह भिन्न है चंडालों का वर्ग धर्म सूत्र के कालखंड में हुआ परंतु इसके कई वर्षों बाद करीब 400 सौ ईसा पूर्व में अस्पृश्यों की निर्मित हुई अस्पृश्य सारे देश में गांव से बाहर क्यों रहते हैं आदिम काल में टोलियों में सतत लड़ाइया हुआ करती थी वे टोलियां जब स्थायी समाज में परिवर्तित हो गई तब अन्य स्थानों से विस्थापित टोलियों के लोग उनके यहाँ आए तब उन्हें गाँव के भीतर प्रवेश नहीं दिया गया उन्हें गाँव के बाहर ही रहना पड़ा न केवल भारत में अपितु दुनिया के कई देशों में विस्थापितों को गांव के बाहर ही रुकना पड़ता था आर्य द्रविड़ों के संघर्ष में विजयी आर्यो ने द्रविड़ों को जीत लिया और उन्हें शूद्र बनाया इसके पूर्व द्रविड़ों ने आदिवासियों को जीता था और उन्हें अस्पृश्य बनाया था द्रविड और नाग इन दोनों को एक ही वंश का सिद्ध करते हैं बाद में आर्यों ने नाग लोगों को स्थापित कर दिया और उन्हें अस्पृश्य घोषित किया विभिन्न वंशों संबंधी निर्णय लेने का आधार अगर वांशिक शरीर रचना शास्त्र है तो उसके आधार पर अगर हम हिंदू समाज के विभिन्न जातियों का मूल्यांकन करें सिर आंख नसिका ठुड्डी रंग कद तो यह सिद्ध हो जाएगा कि अस्पृश्य आर्य और द्रविद वंश एक दूसरे से कहीं पर भी भिन्न नहीं है शरीर के विभिन्न अंगों के मापन से यह सिद्ध होगा कि ब्राह्मण और अस्पृश्य एक ही वंश के लोग हैं। अगर ब्राह्मण आर्य है तो अस्पृश्य भी आर्य है अछूत बौद्ध थे शंकराचार्य ने दार्शनिक स्तर पर जाकर जब हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना की तब समाज का बहुत बड़ा तबका सत्ता शक्ति और आतंक के कारण हिंदू धर्म में लौटा परंतु एक तबका ऐसा था जो बौद्ध धर्म छोड़ने के लिए तैयार नहीं था इन्हें ही तिरस्कृत कर अस्पृश्य बना दिया गया यह षड्यंत्र ढाई हजार वर्ष पूर्व से आरंभ हुआ था धर्म ही जीवन है और जीवन ही धर्म है जैसे जीवन क्या है इस पर मानव का चिंतन निरंतर चलता आया है और भविष्य में भी अहर चलता रहेगा ठीक वैसे ही धर्म के संबंध में सोचना कभी बंद नहीं होगा जहां आज धर्म धर्म है वहां धर्म के झगड़े हैं ये झगड़े आज से नहीं सदियों से है इस धरती पर कोई भी धर्म ऐसा नहीं जो उत्थान पतन के दौर से न गुजरा हो किसी भी धर्म में मानवतावादी दृष्टिकोण का रत्ती भर भी विरोध नहीं है फिर भी बराबर धर्म युद्ध होते रहे हैं और धर्म ने अपने सहज स्वभाव को छोड़कर अधर्म का रूप अपना लिया है धर्म कब अधर्म बनकर भी धर्म बना रहता है इसके किस्से धर्म के इतिहास में हजारों मिल जाएंगे कारण भी मालूम पड़ जाएंगे फिर भी धर्म अपने इस इतिहास को दोहराने से पीछे नहीं हटेगा धर्म मानव इतिहास की सबसे शक्तिशाली चालक शक्तियों में से एक है और इसकी गुणवत्ता केवल उसके द्वारा प्रस्तुत सामाजिक आदर्श की रोशनी में ही समझी जा सकती है प्रत्येक धर्म को न्याय और उपयोगिता द्वारा ही परखा जाना चाहिए न्याय मुक्ति समानता और भाईचारे का ही दूसरा नाम धर्म है धर्म और समाज की विषमता की जड़ चतुर्वर्ण व्यवस्था है चतुर्वर्ण ही अस्पृश्यता की जर्नी है जाति भेद और अस्पृश्यता विषमता के अन्य रूप हैं अगर इस जड़ को नष्ट नहीं किया गया तो अस्पृश्य वर्ग इस धर्म को निश्चित ही त्याग देगा ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अस्पृश्यों की दयनीय स्थिति से दुखी होकर चिल्लाकर अपना जी हल्का करते फिरते हैं कि हमें अस्पृश्यों के लिए कुछ करना चाहिए लेकिन इस समस्या का जो हल करना चाहते हैं उनमें से शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो यह कहता है कि हमें स्पृश्य हिंदुओं को बदलने के लिए भी कुछ करना चाहिए यह धारणा बनी हुई है कि अगर किसी का सुधार करना है तो वह अस्पृश्यों का ही करना है अगर कुछ किया जाना है तो वह अस्पृश्यों के प्रति किया जाना है और अगर अस्पृश्यों को सुधार दिया जाए तब अस्पृश्यता की भावना मिट जाएगी। जाति व्यवस्था मनुष्य को संवेदनहीन बनाती है यह बांजपन की एक प्रक्रिया है शिक्षा संपत्ति एवं श्रम प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो स्वतंत्र एवं पूर्ण मनुष्यत्व प्राप्त करना चाहता है आवश्यक है समाज के पिछड़ेपण और अकर्मण्यता का दोष मुख्यतः अप्राकृतिक एवं अवैज्ञानिक सामाजिक व्यवस्था को दिया जा सकता है क्या कोई यह विश्वास कर सकता है कि पुरुष नाम का कोई ऐसा पशु भी है जिसके स्पर्श मात्र से पानी गंदा हो जाता है मनुष्य भ्रष्ट हो जाता है और ईश्वर पूजनीय नहीं रहता यदि ऐसा पुरुष है तो वह अछूत है जिसे हिंदू धर्म और हिंदू समाज में पशु से भी बुरा समझा जाता है एक धर्म में सबको समानता का अधिकार नहीं हो तो वह धर्म कहाँ रह जाता है अगर हिंदू समाज एक वर्णी समाज बनेगा तो ही उसमें अपनी रक्षा करने की शक्ति निर्मित होगी इस आंतरिक शक्ति के अभाव में स्वराज्य हिंदुओं की स्वतंत्रता की सीढ़ी न बनकर गुलामी की एक सीढ़ी सिद्ध होगी धर्म दर्शन को मैं प्रकृतिक धर्म दर्शन के रूप में देखता हूँ जिसमें देव और ईश्वर का अस्तित्व है जो प्रकृति से अभिन्न रूप से आबद्ध है धर्म दर्शन के तीन आधार हैं पहला ईश्वर की सत्ता है और वही प्रकृति का निर्माता है जिसे हम जगत कहते हैं दूसरा ईश्वर जगत का नियामक अर्थात नियंत्रक है तथा तीसरा ईश्वर अपनी सत्ता मानवता पर नैतिकता के माध्यम से लागू करता है धर्म कोई विवरणात्मक या वैज्ञानिक विश्लेषण की विषय वस्तु नहीं है धर्म दर्शन तब तक विश्लेषणात्मक दर्शन होता है जब तक कि वह अपने में तर्क को समाहित नहीं करता है परंतु तर्क को समाहित करने के बाद वह मानव वैज्ञानिक विषय वस्तु हो जाता है मैं नहीं समझता कि सभी धर्म दर्शनों का एक ही दर्शन होगा बल्कि सभी धर्मों में कुछ न कुछ अलगाव होता है किसी भी आंदोलन या संस्था का एक क्रांतिकारी दर्शन होता है जिसके आधार पर वह संस्था संचालित होती है प्राचीन समाज में मानव अपने राजनीतिक ईश्वर को सब कुछ के रूप में मान्यता देता था आधुनिक समाज मानवीय पहलुओं को मान्यता देता है जो ईश्वर को समाज के बाहर रख देता है तथापि वह ईश्वर को स्वीकार करता है प्राचीन समाज में प्रत्येक समुदाय के लिए एक ईश्वर था आधुनिक समाज की भांति एक संयुक्त विश्वव्यापी ईश्वर नहीं था वह मानवता को सामूहिकता में रहकर सोचता था वह मात्र अपने समुदाय के विषय में सोचता था जबकि वर्तमान में ऐसा नहीं है एक क्रांति का उद्भव जीवन में निरपेक्षता की दशा लाता है और जीवन को उस दिशा में ले जाता है जहां धर्म की सत्ता सफल होती है दूसरे में धार्मिक विचारों की वास्तविक सत्ता की स्थापना होती है जिसमें दैवी शक्ति द्वारा अच्छी मानवता के सृजन की अवधारणा होती है यह प्रणाली बदलाव की है हालांकि समूचे विश्व का सारा का सारा समाज पूर्णतया किसी एक ही वर्ग का नहीं बना है और प्रत्येक समाज में वर्ग होते हैं फिर भी अन्य समाज के वर्ग मूलतः भिन्न होते हैं व्यक्ति के जीवन में धर्म की आवश्यकता के चार कारण है पहला समाज की स्थिरता और नियंत्रण के लिए नीति की आवश्यकता होती है इनमें से किसी एक के अभाव में समाज रसातल को जा सकता है इसलिए किसी भी समाज को धर्म की आवश्यकता पड़ती है दूसरा धर्म को बनाए रखने के लिए उसे बुद्धि प्रमाण्यवादी होना चाहिए विज्ञान बुद्धि प्रमाण्यवादी है तीसरा केवल नीति की संहिता का अर्थ धर्म नहीं है धर्म की नीति संहिता में स्वतंत्रता समता और बंधुत्व इन मूलभूत तत्वों को मान्यता मिलनी चाहिए चौथा दरिद्रता को पवित्र मानने का आग्रह किसी भी धर्म को नहीं करना चाहिए अथवा दरिद्रता का उदारीकरण भी नहीं होना चाहिए प्रारंभ में चार वर्ण थे वर्ण का आधार धर्म था और बाद में यह चार वर्ण जातियां बन गई चार वर्ण एक ही अंश के विभाजन थे यह कार्य नहीं अपितु श्रम का विभाजन था इस धर्म द्वारा जातिवाद का उद्भव हुआ है इसने एक व्यक्ति को उसकी जाति तक सीमित कर दिया है इससे मानव की विशेषताएं गौण हो गई है जहां जाति है वहां कोई पवित्रता नहीं है धर्म मानव के अंतरात्मा की मुक्ति का व्यक्तिगत प्रकरण है धर्म नीतियों के आधार पर मानव के पारस्परिक सौहार्द और सदाचार को कायम रखता है धर्म मन आत्मा और शुद्धि की पहचान का मार्ग है धर्म की नीव सदाचार और शुद्ध आचरण पर रखी जानी चाहिए धर्म ग्रंथों से नहीं व्यवहार से मुखरित हो धर्म भेदभाव को नहीं मानता है धर्म करुणा प्रेम और त्याग का दूसरा नाम है धर्म घृणा को प्रेम से जीतता है और वह बिना शासक हुए लोगों के दिल पर राज करता है धर्म विचलित मन को शांति प्रदान करने का अमृत व्यवहार है जो धर्म में है वह प्रेम में है और सबके साथ समान है धर्म असहाय गुंगों और अपाहिजों का सहायक है वह उनकी अमित शक्ति है यह धर्म अपरिवर्तनशील होने का दावा करते हैं प्रचलित सभी धर्मों की नींव श्रद्धा है ईश्वरीय कृपा प्राप्त करना और उसकी अनुकंपा से बचना यह धर्म मार्ग है इसके सिवा बाकी सभी अधर्म और निषिद्ध माना गया है परमेश्वर और श्रद्धा के सिवाय अन्य तथ्य का धर्म में कोई स्थान नहीं है मनुष्य की बुद्धि उसके विचार आदि को किसी भी धर्म ने मान्यता नहीं दी है इस कारण ईश्वर के अस्तित्व के संबंध में चर्चा ही नहीं की जा सकती है सिद्धार्थ नामक व्यक्ति ने जिस धर्म की बात की है वह प्रचलित कमजोरियों से परे है एक व्यक्ति द्वारा अनेक व्यक्तियों से कहा गया यह धर्म है इस धर्म में गुढ़ का कोई स्थान नहीं है ईश्वरीय कृपा वरदान या शाप स्वर्ग या नरक इसकी कोई गुंजाइश इस धर्म में नहीं है सिद्धार्थ का यह धर्म हार मांस के व्यक्ति उसके ही जैसे हार मांस के लोगों के लिए उनकी ही भाषा में उनके ही शब्दों में कहा गया है इस धर्म में श्रद्धा के लिए कोई स्थान नहीं है उल्टे किसी व्यक्ति या वस्तु पर अंध श्रद्धा न रखने का इसमें आग्रह किया गया है प्रश्न करो शंकाय उपस्थित करो विचार करो और अगर विवेक को मान्य हो तो ही स्वीकार करो ऐसा इस धर्म का आग्रह है सिद्धार्थ कहीं भी सर्वज्ञता होने का दावा नहीं करते वे किसी को संदेश देने की बात नहीं करते वास्तव में वे किसी प्रकार का आदेश नहीं देते कोई निर्णायक बात नहीं करते यही इस धर्म की शक्ति है एक सच्चा धर्म समान अवसरों की घोषणा व प्रतिष्ठापना करता है बाकी सभी धर्म झूठे व बकवास है मेरे बाद मेरे अनुयायियों बौद्ध धर्म तुम्हारे द्वारा संचालित होगा यदि तुम इसको आत्मसात नहीं कर सकोगे तो इसका पालन कैसे करोगे धर्म मानसिक शुद्धता को तुम्हारे आचरण में स्वीकार करता है धर्म नैतिक चरित्र का निर्माण स्वतंत्रता समानता बंधुत्व के आधार पर करना चाहता है और मात्र बुद्धवाद ही मानवता के समान अवसरों की बात करता है आध्यात्मिक दृष्टि से धर्मांतरण की समस्या की ओर देखा जाए तो कहा जा सकता है कि व्यक्तिगत विकास सच्चे धर्म का उद्देश्य है मुझे धर्म की वह परिभाषा स्वीकार है जिससे सारी प्रजा की धारणा होती है उसके लिए धर्म को बंधुता समता और स्वतंत्रता इन सदगुणों की सीख देनी चाहिए और इस प्रश्यता के कारण तुम्हारे गुण व्यर्थ साबित हुए और इस प्रश्नता की वजह से तुम्हें सेना में पुलिस विभाग में या नाविक दल में प्रवेश नहीं मिलता अस्पृश्यता तुम्हारे लिए अभिशाप है और इस प्रश्यता ने तुम्हें जगत के सही जीवन से सम्मान से और प्रतिष्ठा से वंचित किया है और इस के लिए कानूनी स्वतंत्रता की अपेक्षा सामाजिक स्वतंत्रता की आवश्यकता है धर्म परिवर्तन की बात करना बच्चों का खेल नहीं है जिस प्रकार कोई नौका खोने खेने वाला यात्रियों की संख्या का अनुमान लगाकर नौका खेता है और तदुपरांत अपना शेष साजो समान संभालता है उसी प्रकार हमें भी करना होगा जब दीर्घ निकाय आदि पाली ग्रंथों को आधार बनाकर भगवान बुद्ध की जीवनी लिखने की चेष्टा करते हैं तब हमें कठिनाई है और उनमें उपदेशों की सुसंगत व वैज्ञानिक अभिव्यक्ति बहुत कठिन लगती है वास्तविकता तो यह है कि संसार में जितने भी धर्म संस्थापक हुए हैं उनमें भगवान बुद्ध की चर्चा यह विवरण हमारे सामने अनेक ऐसी समस्याएं लाता है जिनका समाधान असंभव नहीं तो दुभर अवश्य है बुद्ध का धर्म परलोक के संबंध में नहीं है इसका संबंध मात्रोक से है यह न स्वर्गवादी है नरकवादी है यह पृथ्वीवादी है यह धर्म व्यक्तिगत मोक्ष की बात नहीं करता है सामाजिक मुक्ति का संदेश देता है यह धर्म निरीश्वरवादी अनात्मवादी भौतिकवादी और बुद्धिवादी है यह धर्म अपरिवर्तनीय नहीं है परिवाद इसका अंग है यह धर्म विचारशील है अन्य धर्मों की तुलना में बुद्ध धर्म आधुनिक वैज्ञानिक निष्कर्षों पर कसौटियों पर श्रेष्ठ सिद्ध होता है आधुनिक युग की चुनौतियों को यह स्वीकार करता है बुद्धिवाद सामाजिक सत्ता बंधुता स्वतंत्रता समाजवाद जनतंत्र आदि आधुनिक मूल्यों के आलोक में इस धर्म को सिद्ध किया जा सकता है बुद्ध की विचार पद्धति और तर्क मीमांसा में शब्द प्रमाणय ग्रंथ प्रमाण का कहीं भी स्थान नहीं है प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान पर ही बुद्ध का तर्कशास्त्र है बुद्ध ने एक स्थान पर कहा कि मेरे शब्दों को प्रमाण न मानो तुम्हारी बुद्धि अथवा अनुभव से जो बात हो उसे ही सत्य मानो इस में अंतिम और अपरिवर्तनीय कुछ भी नहीं है परिवर्तन और सतत परिवर्तन यही सत्य है बुद्ध का व्यक्ति है। धर्म व्यक्ति निष्ठ न होकर सामाजिक है बौद्ध दर्शन धर्म अथवा शब्द के अंतर्गत नहीं आता धर्म अथवा फिलोसफी ऑफ रिलीजन है बौद्ध धर्म के नैतिकता को सर्वाधिक महत्व दिया यह नैतिकता ही धम है उसके अभाव में समाज धारणा संभव ही नहीं है यह नैतिकता स्वतंत्रता समता और बंधुता के संवर्धन के लिए ही होनी चाहिए जो धर्म हमारी चिंता करता हो हमें अवसर प्रदान करना हो उसके लिए हम प्राण तक देने को तैयार है जो धर्म हमारी परवाह ही नहीं करता उसकी परवाह हम क्यों करें समाज धर्म और मजिस्ट्रेट दोनों का चुनाव कर सकता है जितने अंश में समाज धर्म का पालन करे उतने अंश में धर्म और जहां धर्म का पालन न करे वहां मजिस्ट्रेट धर्म तो मनुष्य की अपनी मनुष्यता के लिए है धर्म के विकास के लिए उसे बलि का बकरा नहीं बनाना चाहिए सिद्धांत के प्रतिकूल कोई समझौता नहीं किया जा सकता ऐसा भी नहीं जाना चाहिए माता पिता शिशु को केवल जन्म देते हैं भविष्य नहीं भविष्य तो उनके बनाने से बनेगा भारत में समस्त दरिद्र और दलित लोग गौरव को ईश्वर का दंड मानकर चुपचाप भोग रहे हैं वे उसे समाज और अर्थव्यवस्था की रुगणता नहीं मान रहे हैं वे शोषण अन्याय अत्याचार बलात्कार सहन कर लेंगे परंतु न्यायालय नहीं जाएंगे रुपए व पाउंड के संबंधों का लाभ उठाकर अंग्रेज भारतीयों का शोषण कर रहे हैं मुद्रा विनिमय से भारत लाभवंत नहीं हो सकता है इसे स्वर्ण स्तर की देशीय स्थिरता प्राप्त न होने के कारण लागू नहीं करना चाहिए मेरा जन्म सर्वसाधारण जनता की जिम्मेदारी लेने के लिए हुआ है मैं एक गरीब परिवार में पैदा हुआ और बम्बई की इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट चौल में गरीब लोगों की तरह ही बड़ा हुआ मुझे आपकी शिकायतें मालूम है खोली प्रणाली आपके खून का शोषण कर रही है खोली की पद्धति खत्म होनी चाहिए ऐसा होने पर आपको शांति एवं समृद्धि प्राप्त होगी अपना ध्येय प्राप्त करने तक यह आंदोलन आपको इसी तरह चालू रखना चाहिए महार महाराष्ट्र की सबसे प्रमुख अछूत जाति है निम्न तथ्य महार व स्पृश्य हिंदुओं के अधिकारों को परिभाषित करते हैं पहला महार प्रत्येक गांव में पाए जाते हैं दूसरा महाराष्ट्र के सभी गांव दीवारों से घिरे हैं बारी बारी से उनकी पहरेदारी महारों को करनी पड़ती है तीसरा महारों के कुछ अधिकार भी थे जिनमें वतन भूमि का अधिकार भी था महारों के पास वतन भूमि का होना एक पुराना रिवाज था जिसकी पुष्टि हिंदू मुस्लिम अभिलेखों द्वारा की गई थी परंतु अंग्रेज सरकार ने इस भूमि पर बहुत अधिक कर भार लाद दिया था जिससे महारों पर मुसीबतें काफी ज्यादा बढ़ गई क्रूर वतन व्यवस्था के कारण ही महार जाति गुलामी की ओर अग्रसर हुई वतन प्रणाली का उन्मूलन किया जाए अर्थात प्रत्येक गाँव में हिंदुओं की गुलामी कर रहे महारों को अन्य नागरिकों की भांति आजाद किया जाए महारों द्वारा की जाने वाली पुश्तैनी सेवा को सशर्त किया जाए भूमि को स्थायी भूमि बनाकर महारों को मालिकाना हक दिया जाए यद्यपि वतनदारों का कार्य सेवा समय और मेहनताना अनिश्चित था तथापि वतनदारों को सरकारी नौकरी माना जाए नौकर माना जाए वतनदारों के पूरे परिवार न केवल सरकार के अपितु ग्रामीण अधिकारियों तथा पाटिल और कुलकर्णी की भी किसी भी समय सेवा के लिए मजबूर थे चूंकि वतनदारों को अपने से ऊपर की श्रेणी को संतुष्ट करना होता है जो भूमि हथियार के लिए आजाद थे अतः उनके वतन की कोई सुरक्षा नहीं थी इतिहास हमेशा एक उदाहरण नहीं होता है बल्कि वह प्रायः चेतावनी भी होता है अव्वल तो श्रमिक संहिता बाहर नहीं है दूसरे इनके होने से मालिक एवं श्रमिक दोनों के न्याय उचित संबंधों का विकास संभव है यही तो वास्तविक अवस्था है जब श्रम कानून बनकर लागू हो जाना चाहिए सबको अवसर मिले यह तो कदापि संभव नहीं है कि सब समान होने का एक सार्वजनिक तैयार कर लें। आवश्यकताओं तथा शक्ति के अनुसार सदैव परिवर्तन आते रहेंगे लोकतांत्रिक समाज यंत्रीकरण के प्रतिकूल नहीं हो सकता आधुनिक सभ्यता का नारा यंत्र है यंत्रों के कारण बुराइयां नहीं पैदा हुई है और न आधुनिक सभ्यता की वजह से वे गलत सामाजिक संरचना का प्रतिफल है हमारे दल का यह ठोस मत है कि खेती की भूमि के, के टुकड़े करना और उस पर बढ़ती हुई जनसंख्या का बोझ डालना यह सही अर्थों में किसानों के दरिद्रता के कारण है पुराने धंधे फिर से चलाना और नए शुरू करना यही सुधारात्मक उपाय है जनता की उत्पादन शक्ति और उसकी कार्य क्षमता में वृद्धि हो इसलिए तकनीकी शिक्षा विषयक धंधे और जहाँ जरूरत हो वहाँ शासन के स्वामित्व व नियंत्रण में चलने वाले धंधे शुरू करने का बड़ा विस्तृत कार्यक्रम हम हाथ में लेने वाले हैं मालिकों द्वारा चलाए गए शोषण से काश्तकारों का बचाव हो मालिक उन्हें भगा न दे इसलिए काश्तकारों को सुरक्षा का आश्वासन दिया गया था श्रमिकों के हित में कानून लाए द, बनाए जाएंगे नौकरियां देने पदच्युत करने कारखानों में बोनस देने काम के घंटे तय करने छुट्टी देने आवास व्यवस्था करने आदि हेतु कानून बनाए जाए बेकारी से मुक्ति के लिए भूमिहीनों को भूमि दी जाएगी शक्ति द्वारा औद्योगिक शांति संभव नहीं है कानून के माध्यम से औद्योगिक शांति का प्रयास किया जा सकता है परंतु गारंटी नहीं दी जा सकती यदि सामाजिक न्याय को औद्योगिक शांति का आधार बनाया जाता है तो उसके परिणाम सर्वथा अनुकूल हो सकते हैं क्योंकि सामाजिक न्याय स्वामी और श्रमिक दोनों का हित चिंतन करता है यह लड़ाई तो इतनी सी है कि स्वामी चाहता है कि वह श्रमिक को कम से कम देकर अधिक से अधिक लाभ कमाए और श्रमिक की मंशा है कि उसे जीवन यापन के लिए यथोचित धन मिल जाए मालिक का दृष्टिकोण पूंजीवादी होता है और श्रमिक का सदा समाजवादी जब पूंजीवाद श्रमिकवाद या समाजवाद को निगलने का प्रयत्न करता है तो स्वामी और श्रमिक आमने सामने आ जाते हैं श्रम के शोषण के परिणाम स्वरूप श्रमिक को आर्थिक विषमताओं से ही नहीं मानसिक परेशानियों से भी जूझना पड़ता है जिससे अशांति पैदा होती है जो हड़तालों के रूप में सामने आती है आखिर पूंजीपति के सोचने का आधार यह क्यों नहीं बनता है कि वह और श्रमिक दोनों सामाजिक प्राणी है और उत्पादन दोनों का संयुक्त प्रयत्नों का परिणाम है श्रम भी तो पूंजी है वह श्रम पूंजी को नकारना क्यों चाहता है किशोरा अवस्था में मैंने अपने रिश्तेदारों को खाने के डिब्बे पहुंचाने का काम किया था अतः मजदूर समस्याओं की कुछ जानकारी मुझे है अब हमने आर्थिक कठिनाइयों को दूर करने की शुरुआत की है आज तक हम दलित अस्पृश्य के रूप में इकट्ठा होते थे आज हम मजदूर के रूप में एकत्रित हैं हमारे दलित वर्ग को जो अवसर मिलता है वह काफ़ी सीमित है ऐसे अनेक अवसर होते हैं जहाँ अस्पृश्यता के कारण अवसर नहीं मिलता है कपड़ा मिलों के कुछ विभागों में अस्पृश्य नौकर नहीं लिए जाते हैं रेलवे में वे गैंगमैन के रूप में सरते हैं कुली भी नहीं बन पाते हैं जब तक कि सात्विक दृष्टि से खुला अन्याय और पक्षवात है जो इनके प्रभाव के बिना मजदूर एकता कैसे संभव है हड़ताल करना एक दीवानी अपराध है फौजदारी गुनाह नहीं मनुष्य की इच्छा के विरुद्ध उससे काम कराना गुलामी है कांग्रेस ने ब्रिटिश सम्रा, साम्राज्यवाद के लिए पुकारा होता तो मैं उस दल से सहयोग अवश्य करता लेकिन यथार्थ ऐसा नहीं है कांग्रेस दल अपने हाथ में आए संविधानात्मक शासन तंत्र को पूंजीवादी और निरंतर स्वार्थ में विलुप्त लोगों के कल्याण के लिए ही कार्यवंती कर रहा है उसने किसान और मजदूर के कल्याण की बलि दे दी है यदि मुद्रा स्फीति तथा अंदरूनी मूल्य असंतुलन दूर करना है तो टकसाल बंद कर दी जाए मुद्रा के लचीलेपन के लिए सोने के मूल्य का मानदंड बनाना चाहिए भूमि ही भूमि ही आज देश की आय का साधन है तो जो परिजीवी की भांति बहुत सारी भूमि अपने पास रखे हैं और उसे ढेर सारी आय प्राप्त कर रहे हैं उन्हें अवश्य आय कर देना चाहिए किसी भी जाति या समुदाय के अभिभजन अपनी जाति एवं समुदाय की उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं क्योंकि उनकी शक्तियाँ इतनी व्यापक होती है कि वे अपने वर्ग के लोगों की सहायता कर सकते हैं उनसे यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे अपने समुदाय की प्रगति में सहायक बने दलितों के अभिजन के भी इसके अपवाद नहीं हो सकते हैं क्योंकि अभिजन अपने अपने क्षेत्रों में मान्यता प्राप्त एवं प्रतिष्ठित सदस्य होते हैं अतः दलित उनसे यह अपेक्षा करते हैं कि अभिजन उनके विकास में सहायक सिद्ध होंगे स्व सरकार पर्याप्त नहीं है बल्कि एक अच्छी सरकार चाहिए जो समाज के सभी वर्गों के विकास के लिए प्रतिबद्ध हो मात्र स्व सरकार पूर्ण नहीं मानी जा सकती जबकि कांग्रेस की मांग स्व सरकार की है स्वतंत्रता तब पूर्ण मानी जाएगी जब समाज का प्रत्येक नागरिक इस स्वतंत्रता का अनुभव करे और सरकारी तथा गैर सरकारी प्रतिष्ठानों में बराबर भागीदार निभाए स्वराज्य जैसा ब्राह्मणों का जन्म सिद्ध अधिकार है वैसा ही महारों का भी है यह बात कोई भी स्वीकार करेगा इसलिए उच्च वर्ग के लोगों का यह प्रथम कर्तव्य है कि वे दलितों को शिक्षा देकर उनका मनोबल और सामाजिक स्तर ऊंचा करने की कोशिश करें जब तक यह नहीं होगा तब तक भारत की स्वतंत्रता का दिन बहुत दूर रहेगा इसमें संदेह नहीं भारत के स्वतंत्र होने से ही सब कुछ साध्य होगा ऐसी बात नहीं भारत एक ऐसा राष्ट्र बनना चाहिए जिसमें प्रत्येक नागरिक के धार्मिक सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक अधिकार समान हो और हर एक को व्यक्तित्व के विकास के लिए उचित अवसर प्राप्त हो बहुमत का राजनीतिक आदर्शवाद समाज का आदर्शवाद हो जाएगा जनतंत्र सार्वजनिक जीवन जीने की पद्धति है जनतंत्र एक ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में बिना रक्त की एक बूंद बहाये क्रांतिकारी परिवर्तन लाए जा सकते हैं एक ही व्यक्ति अथवा एक ही राजनीतिक दलों के हाथों में यदि सत्ता सुरक्षित रह जाए तो ऐसी स्थिति में उस राष्ट्र में संसदीय प्रणाली और जनतंत्र की हत्या हो जाती है और राजकता का राज्य पैदा हो जाता है मजबूत विरोधी दल सत्ताधारी पर नियंत्रण रखेगा तथा उसे व्यापक हित की ओर ले जाने का प्रयास करेगा भारतीय राजनीति में अभिजन की महत्वपूर्ण पकड़ है और यह लोक कल्याणकारी नहीं रह गया है इससे संपूर्ण समाज किसान मजदूर का भला नहीं होगा दुनिया में दो ही वर्ग है गरीब और अमीर शोषित और शोषक एक और मध्य वर्ग है वह वा वास्तव में बहुत छोटा है किसान और मजदूर शोषित है और इसी कारण उनका संगठित होना आवश्यक है सभी भारतीयों को समता का व्यवहार मिलना चाहिए जीवन के सभी क्षेत्रों में ऐसी व्यवस्था हो जिसे प्रत्येक व्यक्ति अपनी बुद्धि और प्रतिभा के बल पर विकास कर सके प्रत्येक भारतीय को आर्थिक धार्मिक और राजनीतिक स्वतंत्रता मिले प्रत्येक भारतीय को समान अवसर मिले प्रत्येक भारतीय अपनी जरूरतों से और भय से मुक्त हो जाए उसे इन दोनों से मुक्त रखने की जिम्मेदारी राज्य की है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का एक वर्ण दूसरे वर्ण का एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र का शोषण न करे मुझे अच्छा नहीं लगता जब कुछ लोग कहते हैं कि हम पहले भारतीय हैं और बाद में हिंदू और मुसलमान मुझे यह स्वीकार नहीं है धर्म संस्कृति भाषा आदि के प्रति स्पर्धी निष्ठा के रहते हुए भारतीयता के प्रति निष्ठा नहीं पनप सकती मैं चाहता हूं कि लोग पहले ही भारतीय हैं और अंत तक भारतीय रहे भारतीय के अलावा कुछ नहीं और मैं इस सदन में पूरे जोर से कहता हूँ कि जब कभी देश के हित और अस्पृश्यों के हित के बीच टकराव होगा तो मैं अस्पृश्यों के हित को तरह दूंगा। यदि कोई आतताई बहुमत देश के नाम पर भूलता है तो मैं उसका समर्थन नहीं करूंगा मैं किसी पार्टी का समर्थन सिर्फ इसलिए नहीं करूंगा कि वह पार्टी देश के नाम पर बोल रही है जो यहाँ है और जो यहाँ नहीं है सब मेरी इस भूमिका को समझ लें मेरे अपने हित और देश के हित का साथ टकराव होगा तो मैं देश को तरह दूंगा लेकिन अगर देश के हित और दलित वर्ग के हित में टकराव होगा तो मैं दलित वर्ग के हितों को प्राथमिकता दूंगा। दलितों की स्थिति में परिवर्तन समतामूलक समाज की स्थापना के लिए जरूरी है जाति प्रथा न केवल मानव गरिमा के विरुद्ध है बल्कि समता मूलक समाज के स्वप्न के भी विरुद्ध है जाति व्यवस्था मनुष्य पहले ही अस्तित्व में थी इसलिए यह कहना भूल है कि जाति श्रेणियों का निर्माण शास्त्रों और ने किया सांस्कृतिक एकता में कोई भी देश भारत का मुकाबला नहीं कर सकता इसमें न केवल भौगोलिक के एकता है अपितु उससे ज्यादा गहरी और मूलभूत एकता है सांस्कृतिक एकता जो एक छोर से दूसरे छोर तक सारे देश में व्याप्त है लेकिन इस संस्कृति जन्य एक रूपता के कारण ही जाति की गुत्ती को सुलझाना अत्यंत कठिन हो जाता है जाति व्यवस्था को तोड़ने के लिए सामाजिक क्रांति की आवश्यकता है सामाजिक सुधार पर्याप्त नहीं है यूरोपीय समाज की वर्तमान व्यवस्था में संपत्ति ही शक्ति का प्रमुख स्रोत है परंतु यह विचार धोखा है भारत के संदर्भ में धार्मिक दार्शनिक विचारधाराओं की बड़ी भूमिका रही है और यह भूमिका भारतीय मार्क्सवादी समझने में असमर्थ रहे हैं यह गौर मतलब है कि मनु का धर्म अब किस स्वरूप में शेष रह गया है स्वीकार करना होगा कि कानून के रूप में उन नियमों के रूप में जो किसी न्यायालय के लिए विवादों के निर्णय के लिए बाध्यकारी होते हैं मनु के धर्म की कोई परिवर्तन शक्ति नहीं रही है इसमें अपवाद विवाह उत्तराधिकार आदि ऐसे मामले हैं जिनका प्रभाव केवल व्यक्ति पर पड़ता है सामाजिक आचरण तथा नागरिक अधिकारों को नियमित करने वाले कानून के रूप में उसे लागू नहीं किया जा सकता है लेकिन भले ही कानून के रूप में उसकी मान्यता नहीं रही है प्रथा के रूप में वह अब भी विद्यमान है कानून के मुकाबले प्रथा भी कोई नगण्य चीज नहीं है यह सच है कि कानून को राज्य अपने पुलिस बल के माध्यम से लागू करता है और प्रथा यदि वैध नहीं है तो उसे राज्य लागू नहीं कर सकता है लेकिन व्यवहार के इस अंतर का कोई महत्व नहीं है राज्य जितनी शक्ति से कानून लागू करता है उतनी ही शक्ति से प्रथा को जन समूह पर लागू करता है इसका कारण है कि संगठित जन समूह की बाध्यकारी शक्ति राज्य की बाध्यकारी शक्ति से कहीं अधिक प्रबल होती है मनु का धर्म तकनीकी दृष्टि से कानूनी कानून नहीं रहा है फिर भी इस कारण उसकी परिवर्तनीयता पर कोई आच नहीं आई है भ्रष्टाचार संसदीय व्यवस्था के लिए हानिकारक है भ्रष्टाचार बढ़ेगा तो लोकतंत्र नष्ट हो जाएगा मेरा राजनीतिक लक्ष्य है पद दलितों को राजनीतिक अधिकार दिला पाना राजनीतिक सामाजिक तथा आर्थिक संतुलन बनाते हुए इन क्षेत्रों में लोकानुभूति को लोकतंत्र का आधार देना जाति व धर्म के भेद के बिना मजदूर मोर्चे का संगठन करना राजनीतिक से जन शक्ति से जनशक्ति का अभ्यास देना शिक्षित संगठित और संघर्षशीलता का लक्ष्य प्राप्त करना जनतांत्रिक व्यवस्था एक परिवर्तनशील व्यवस्था है किसी भी देश की समाज रचना में निम्नलिखित बातें हो तभी जनतंत्र की सफलता संभव होती है उस समाज व्यवस्था में विषमता अधिक मात्रा में न हो वहां विरोधी दल का अस्तित्व हो कानून और प्रशासन में समानता हो वे एक दूसरे के लिए पूरक हो विरोधी नहीं संवैधानिक नैतिकता के पालन की वृत्ति जनता तथा शासन में हो असंवैधानिक आचरण न हो बहुसंख्यकों की दादागिरी न चलती हो उस समय उस समाज में नैतिक मूल्यों को सर्वोपरि महत्व दिया जाता हो नैतिक मूल्य आचरण से निर्धारित हुए हो जागृत जनमत हो देश के प्रशासन के प्रति संवेदनशील हो देश में घटी घटनाओं पारित कानूनों के प्रति उनमें अत्यधिक जागरूकता हो वर्गीय समाज रचना जनतंत्र के लिए हमेशा खतरनाक साबित हुई है क्योंकि वर्गीय समाज में एक और जुल्म झूठ अहंकार लोभ और स्वार्थ फैला हुआ है तो दूसरी ओर स्वतंत्रता अस्मिता स्वाभिमान और प्रतिष्ठा का पूर्ण अभाव होता है असुरक्षा दरिद्रता तथा भय भी ऐसे समाज में होता है कानून व्यक्ति द्वारा व्यक्ति के लिए बनाए जाते हैं कानून में सतत संशोधन की आवश्यकता होती है परंतु यह संशोधन भी सबकी सहमति से होना चाहिए सभी के लिए सभी के लिए सभी स्थानों पर एक कानून हो सभी में सभी का हित सुरक्षित होता है कानून सामाजिक हो मानवीय हो अर्थात उसका परिवार सार्वत्रिक हो शिक्षा द्वारा कानून का महत्व सिद्ध हो उसका प्रचार प्रसार हो परंतु कानून की ओर जनता भय की दृष्टि से ना देखे कानून पांच मानवीय मूल्यों पर आधारित होना चाहिए पहला कानून लोगों के लिए हित होता है दूसरा कानून स्वच्छंद अथवा भय के स्रोत से मुक्त होता है तीसरा कानून निरपेक्ष होता है वह ईश्वर प्रेरणा के बजाय मानव प्रेरणा से बनता है आवश्यकता राजनीति में समता और आर्थिक क्षेत्र में भी समता इस दृश्य को बदलना जरूरी है दोनों के मध्य की खाई को जल्दी से जल्दी समाप्त करना होगा निकट भविष्य में यदि ऐसा नहीं हो सकता तो विषमता में जो छटपटा रहे हैं ऐसे वर्ग जनतंत्र के मुखौटे का पर्दाफाश कर देंगे यद्यपि सरकार ने यह महसूस किया कि जमींदार लोग असहाय गरीब एवं दलितों का खून चूस रहे हैं फिर भी सरकार ने उन बुराइयों का अंत नहीं किया जिनसे दलितों का जीवन सदियों से मुरझाया पड़ा है सरकार के पास इन बुराइयों को समाप्त करने की कानूनी शक्ति है पर उसे उसने सामाजिक जीवन की वर्तमान संहिता को नहीं बदला ब्रिटिश सरकार से पूर्व हम और स्पृश्य थे क्या ब्रिटिश सरकार ने उसकी सहमत समाप्ति के लिए कुछ किया है ब्रिटिश सरकार से पूर्व हम कुओं से पानी नहीं भर सकते थे क्या ब्रिटिश सरकार ने हमें यह अधिकार दिया है ब्रिटिश सरकार से पूर्व हमें मंदिर पुलिस एवं सेना में प्रवेश का अधिकार नहीं था क्या इस सरकार ने हमें वह अधिकार दिलाया है भले ही ब्रिटिश शासन के भारत में डेढ़ वर्ष बीत चुके हैं परंतु अस्पृश्यों की दशा ज्यो की त्यों है भारत में बौद्ध इतिहास का अध्ययन करने वाले जानते हैं कि जिन लोगों ने बौद्ध धर्म का प्रचार आरंभ किया वे नाग लोग थे नाग लोग अनार्य थे आर्यो और नागों के मध्य घोर शत्रुता थी आर्य अन्ार्यों के मध्य अनेक युद्ध लड़े गए आर्य लोग अन्यार्यों को समूल नष्ट कर देना चाहते थे इससे संबंधित पुराणों में अनेक कथाएं मिलेंगी आर्यों ने नागो को भस्म कर दिया अगस्त मुनि ने एक नाग को बचा लिया था और हम उसी नाग के वंशज माने जाते हैं हमारा लक्ष्य मात्र जल की प्राप्ति और मंदिर में प्रवेश नहीं है बल्कि इससे आगे समतावाद तक है हमारा लक्ष्य वर्ण व्यवस्था को ध्वस्त करना है जिसके कारण समाज में असमतावाद का जन्म हुआ है हिंदू धर्म का आधार वर्ण व्यवस्था है जो हमें अछूत बनाती है मैं हिंदू व्यवस्था की वर्ण प्रथा और, और इस को स्वीकार नहीं करता हूँ मैं भगवत गीता के अलावा किसी अन्य सत्ता को स्वीकार नहीं करता यद्यपि मैं वेदों की सत्ता को स्वीकार नहीं करता फिर भी मैं एक सनातन हिंदू हूँ किसी भी कार्य की सफलता या विफलता जितनी साधन पर निर्भर साधक पर निर्भर करती है उतनी ही उसके नैतिक स्वरूप पर यदि कार्य के मूल में सत्य निहित है तो परिणाम की चिंता की कोई आवश्यकता नहीं सत्य ग्राहियों में आत्मबल की आवश्यकता होती है जिस कार्य में लोक संग्रह होता है वही सत्य है यही हमारी विचारधारा है इसे हमने गीता से लिया है सत्याग्रह ही गीता का मुख्य प्रतिपाद्य है गीता सपृश्य अस्पृश्य दोनों को स्वीकार है हमारे आंदोलन का आधार लोक संग्रह है किसी एक व्यक्ति का सत्याग्रह है या असत्याग्रह यह उस आग्रह की सफलता के लिए उपाय योजित साधनों पर निर्भर नहीं करता बल्कि पूर्णतया उसके नैतिक स्वरूप पर निर्भर करता है हिंसा अहिंसा केवल उस आग्रह की सफलता के साधन है यद्यपि कर्म या कर्ता के अनुरोध पर किया का रूप परिवर्तित होता है परंतु कुछ साधनों के अनुरोध से आग्रह का नैतिक स्वरूप परिवर्तित नहीं होता क्योंकि किसी एक दुराग्राही ने अपना आग्रह सिद्ध करने के लिए अहिंसा का मार्ग स्वीकार किया तो उसके दुराग्रह को सत्याग्रह नहीं कहा जा सकता या किसी एक सत्याग्रही ने सत्याग्रह की सिद्धि के लिए हिंसा की तो उसके सत्याग्रह को दुराग्रह नहीं कहा जा सकता यदि ऐसा कहा जाता है तो गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को सत्याग्रह सिद्ध के लिए जो हिंसा का मार्ग स्वीकारने के लिए विवश किया उसे क्या कहा जाए सच कहा जाए तो अस्पृश्यता इतनी भयंकर बात है कि उसके निवारण के लिए कुछ लोगों के प्राण न्यौछार हो तो भी कोई हर्ज नहीं जीना ही जगत का पुरुषार्थ नहीं जीने के अनेक तरीके हैं गंदगी खाकर कौवे भी बहुत साल जीते हैं लेकिन यह कोई भी नहीं कहेगा कि उनके जीवन में पुरुषार्थ है मृत्यु के बारे में रोना या घबराना किसके लिए नश्वर देह न्योछा करे इससे भी शाश्वत कोई चीज प्राप्त करने के लिए उदाहरण अर्थ देश के लिए सत्य के लिए ध्येय के लिए यश के लिए अनेक महापुरुषों ने अनेक घटनाओं में कर्तव्य रूपी अग्नि में अपने प्राणों की आहुति दी है महाभारत में वीर माता विदुला ने अपने बेटे को यह उपदेश दिया था कि सरते रहने या सौ व्यर्थ की जिंदगी जीने की अपेक्षा कुछ क्षण वीरता की ज्योति दिखाकर बुझ जाएगा तो भी अच्छा है इस तरह का उपदेश हर माता अपने पुत्र को दो इस तरह का समय नजदीक आ गया है मैं यह मानता हूँ कि प्रत्येक माता को प्रसूति पूर्व एवं प्रसूति पश्चात की अवधि में विशिष्ट समय तक विश्राम मिलना राष्ट्र हित की दृष्टि से लाभदायक है, का है कार्यवंत्री करना मुश्किल है इस तत्व का छोर तक युक्तिवाद स्वीकारने से इतने नए प्रांत बनाने होंगे कि उनकी संख्या ही उस बात की अव्यवहारिकता सिद्ध करेगी एक भाषा एक जीवन पद्धति और एक धर्म राष्ट्रीयता के आधार है भाषिक प्रांत रचना करती है करनी है तो एक भाषा और अनेक राज्य इस सूत्र को स्वीकार किया जाए एक राज्य एक भाषा का नहीं एक राज्य एक भाषा के कारण उत्तर भारत के एकत्रीकरण की और दक्षिण भारत के विभक्तिकरण की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी मुझे हिंदी के प्रति अधिक प्रेम है परंतु हिंदी भाषी लोग ही हिंदी के सबसे बड़े शत्रु हैं जो यही मेरे लिए चिंता की बात है ग्रीस युगोस्लाविया रोमानिया बुल्गारिया आदि में भी मुसलमान अल्पसंख्यक है परंतु वहाँ तो पृथक निर्वाचन क्षेत्र नहीं है यूरोप में विभिन्न धर्म व पंथ के लोग संयुक्त मतदाता संघ का विरोध न करते हुए भी एक ही शासन के नीचे पड़ोसी के रूप में सुख शांति से रहते हैं कुछ वर्गों को अलग प्रतिनिधित्व प्राप्त हो इस मत का समर्थक होने पर भी मेरा मानना है कि इस प्रतिनिधित्व के लिए स्वतंत्र निर्वाचक मंडल हो इस मत के मैं पूरी तरह खिलाफ हूँ प्रादेशिक मतदाता संघ और अलग मतदाता संघ दो विपरीत ध्रुव है जनतंत्र के अभाव वाले अपने इस देश में जनतंत्र प्रधान राज्य पद्धति का बीज बोने के लिए जिन मतदान योजनाओं का अवलंबन किया जाएगा इन सारी योजनाओं से इन दो बातों को पूरी तरह टालना चाहिए इन दोनों का समाधान है आरक्षित सीटों वाली संयुक्त निर्वाचक मंडल पद्धति धन्यवाद